कर बार असी कर देंगे ये आने वाले समय का साडा प्रोग्राम ये जिहड़ा ताना बाणा वा उन्हू फिक्र पै गया भी ये साडियां कुर्सियां नू ना फड़ लैण इस करके युद्ध लम्मा हो गया। मैं कहना चाहना यदी समा सीमा ना बैठ लो भी ये छिया महीने मुकना ये दो महीने मुकना ये युद्ध बहुत वड्डा युद्ध आ ये वो युद्ध आ जितना अंग्रेजा नू कढ़न वाले 200 साल लगे सी पर 200 साल वाली गल नहीं असी इन्हां दे ब्रूहां ते पहुँच गए हाँ। 4 चपेरियों दिल्ली का नाका बंद किया आने वाले समय तुहानू अपील करना है 10 तरीक नू के एम पी रोड जिहड़ी आ उहनू पूरा ब्लॉक करिए सारी दिल्ली नू ब्लॉक करिए लखां लोग दिल्ली के आले दुआले जिदन 15-16 लाख पहुँच गए उदन मोदी की टिमरी टाइट हो जूगी जितना राजीव गांधी 5 लाख जदों किसान दिल्ली के वड़े सी उस वे आ गए ताड़ियां मंगा प्रवान। मैं अज कहना अज तिगनी ताकत लाने की लोड़ आ 15 लाख किसान आओ दिल्ली नू वीरा कर दिए ते आने वाले समय के विच इस मोर्चे नू होर प्रचंड करिए। नाल मैं दसना चाहना भी ये जिहड़ा मोर्चा वा इहदियां प्राप्तियां इन्नियां होईयां मैं लिखण डिया 13 प्राप्तियां सब तो वड्डी प्राप्ति की आ असी दुश्मन पछाण लिया अंग्रेज साडा दुश्मन सी दूरों दिखदा है ये दुश्मन लुकिया सी ये सानू देखदा रहा है साडे परछावे दे नाल फिरदा सी लोगों ने वेख लिया सरमाएदार साडा दुश्मन आ कारपोरेट साडा दुश्मन आ मोदी साडा दुश्मन आ सो आने वाले समय जो दुश्मन जदों पछाण लीए तो उन्हों फिर नखेड़ना कोई औखा नहीं होंगे। अज असी समाजिक परिवर्तन लियाता कि लिया जिहड़ा बाबे नानक ने शुरू किया अज तो 550 साल भी समाजिक जिहड़ा पाड़ा नहीं चाहिए भाई लालो का राज चाहिए अज उस आवाज़ नूं लोगों ने उच्चा किया नाले बाबे नानक की आवाज़ नूं सुच्चा किया ये बहुत वड्डी गल आ। भाई रविदास कहिंदा सी ऐसा नगर बनाओ ऐसा राज बनाओ जिथे को टैक्स ना हो जिथे को भुखा ना मरे वो राज तुसीं मंगण लै जे इस करके मोर्चा लम्मा जा सकदा पर तुसीं डट के साडा साथ दिओ संयुक्त किसान मोर्चे का। तीसरी मैं गल कहना चाहना इस मोर्चे की राखी असी कोई 471 आगू नहीं कर सकते यदि राखी तो 1 करोड़ किसान 13.5 करोड़ किसान है भारत में उन्होंने लोगों ने राखी करनी आ सो यदी एकता अख की पुतली वंगे की राखी करो बहुत लोग आ जेड़े लगे आ धार्मिक कट्टरवादी होर बहुत सारे लोग लगे आ जेड़ा इस मोर्चे धर्म युद्ध बनाना चाहते ये आर्थिक मामला साडा यही 3 कानून वापस कराने MSP बनानी आ बिजली का बिल वापस कराना होर किसानों के मसले हल कराने ये आर्थिक मोर्चा वा इस मोर्चे ने जिदन शुरू किया पहले दिन कहा सी कोई जात नहीं कोई पात नहीं कोई धर्म नहीं कोई पार्टी नहीं ये सारे लोग सारे धर्मां दे लोग सारिया पार्टियां दे लोग सारे कित्यां दे लोग अज बहुत वड्डा खतरा लोगों नू सूबियां दियां ताकतां खुस रही सो इस करके तकड़े हो गए आओ अपनी एकता बनाईए तो इस युद्ध नू जितिए। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद अजनाला साहब तुसी लीडरशिप सारी दिल्ली तो चल के साडी अबूर ते धरती ते आई इस तो बाद मेरी थोनों सारिआं नूं बेनती है जिहड़े साडे मुख आगू बहुत वड्डी लड़ाई दिल्ली च लड़ रहे आ साडे विच वो आ चुके ने कृपा करके आपदे स्थान ते बैठे रहो वार वार सिर्फ कुछ ही मिनटां दी गल है ते पाणी वाले पाणी दा प्रबंध पूर्ण तौर ते रखन ते मैं भाई गुरविंदर बराड़ नूं कहांगा कि 2 सत्रां दे नाल स्टेज ते आके साडे बिल्कुल लोकां नूं लामबंद करन ते उस तो बाद मैं बापू जी जोगिंदर सिंह ग्राहां दे उन्हां दे प्रधान
जिहड़े साडे इलाके दे सुखमंदर सिंह भोमा ने उस तों बाद तैयार रहन। गुरविंदर बराड़ जी दो मिनटां लई। फिर तो जी एक बार फतेह बुलाने, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। क्योंकि वह स्टेज गायकी की सी, स्टेज गायकी के नाल किसानी तो गायकी इकट्ठी सी, पर किसानी की स्टेज आ। मैं क्योंकि साढ़े बजुर्ग साहबान आगू साहबान साड़िया पूजन योग शख्सीयत जो स्टेज पर विराजमान ने, कोई बहुता समा नहीं लेना। मैं तो इन्नी बेनती करनी भी जेड़े मित्र प्यारे इधर खड़े ने वीर बन के यार तुसी बैठो, दिल्ली तो चल के साड़िया वो शख्सीयत आई हैं जिन्हां दे दर्शन करन पता लग जाए कि ये वाकई रब का रूप ने। सानू उन्हां दे दर्शन ही बहुत वड्डी चीज़ आ, असी तो उन्हां दीआं तकरीरां सुणनियां अज। सो मेरी बेनती है कि एक तो कृपा करके एक दूजे नाल गल्लां करनियां बंद कर दईए, आपां थोड़ी देर चुप दे दान बख्शो वीर बन के, सारा ध्यान इस पासे लाओ, आपां आगूआं दे विचार सुण के जाणे ने। मैं तो सिर्फ एक दो बेनतियां ही करनी है कलाकार होने के नाते, थोनों किसानी के गीत सुनाए, कुछ गल्लां बातें कीतियां, शुरू तो संघर्षों के नाल चले हुए हैं। मैं यही बेनती करनी भी अज जदों इत्थे पिंडां दे विच जाना है तो ये ड्यूटी लाओ एक जना कि पांच जने नूं रेडी करूगा वीरे आपां दिल्ली जाना है। एक जना घट्टो घट पांच जने नूं तैयार करूगा। मैं पिंडां दे विच वेख्या, पिंडां दे विच विचर के वेख्या, बद्दी चट्टी दे कई दिल्ली जांदे, कई पिंडां दे विच जुर्माने रखे हुए आ, बंदे जुर्माने भरी जांदे आ, दिल्ली जांदे नहीं, हैगी है ना गल। इस करके मजबूरी बस दिल्ली थोड़ी जाना यार, आप अपने हक लैण जाना, एक जज्बा अंदर लैके जाना। अज चलिया सगों एक दूजे तो वध के जाना चाहिए सानू, तो सानू तो यह कहना चाहिए जे कोई कहे भी मैं दिल्ली जाना, उन्हें कहा नहीं नहीं यार ऐतकी मैनू जा, उन्होंने अगली यार तू जा, ये जज्बा होना चाहिए। कितने जो कोई गल करता भी आप दिल्ली चलेंगे, कई गल ही नहीं सुनते, कन्नी कतरा जाते, आप तो जुर्माना भर देंगे नहीं जाते। वो भाई जे अज के समय के समय ना संभालिया ना तो समय ने थानू रोल देना वीरे। अज के समय के जे तुम लामबंद ना हो, जे पिंड एक एक जने ने पांच पांच जने तैयार ना किया तो फिर बहुत काम खराब है। जिमें तीर्थ स्थान पर आप जाने जिमें आप सिख धर्म के कहने कि जोड़ा हजूर साहब नहीं गया गा उसकी जिंदगी सफल नहीं हुई, और जोड़ा किसान किरती अज दिल्ली मोर्चा के नहीं ना गया ये जान लो जिंदगी वो भी सफल नहीं हुई, वह भी बेभागा ही है। बंदा कि जाके आया एक बार हथ खड़े करके दसो मेरे वीर, तो जेड़े जेड़े वीरे नहीं जाके आए सब ने जाना, सब नू तैयार करना, मत्था टेक के एक अपने अपने इष्ट नू त्या के जाना है कि अज मैं चलिया सच्चे दिलों, चलिया सच्चे दिलों जाऊंगे तो असी जित के मुड़ांगे। सो बहुत बहुत मेहरबानी समय दियां अपनियां। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, सारे लीडर साहबाना आपने सुनना, मैं इतने बैठा है, मैं थोड़े ना वादा करदा कोई चक्कर नहीं, मैं इधर बैठा जा स्टेज पर, उधर पिछों मैं सारे गीत जिहड़े किसानी नाल संबंधित तुहानूं सुना के जाऊँगा, बिचों उठ के नहीं जाना किसी ने, सारे ने विचार साडे लीडर साहबाना दे सुन के जाने ने, बहुत वडमुले विचार ने, सब ने पल्ले कुछ बन के लैके जाना, ये नहीं इतों जाके घर जाके भुल जाइए। सो बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। एक आप नारा लाने किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। आओ जी धन्यवाद बराड़ साहब। इस तो बाद साडे विच मनिंदर सिंह मान प्रेजिडेंट किसान आर्मी गंगानगर तो आए ने, असी उन्हां दा भी बहुत बहुत जिया कहना। तो उस तो बाद मैं साडे विच बहुत ही सत्कारयोग सरदार जोगिंदर सिंह उगराहां विच पहुंचे ने, उन्हां नूं बेनती करदा भी संगत थोनूं सुनन लई बहुत ही देर तो इत्थे बैठी है, वह अपनी टीम दे नाल साडे विच आउण, ते जो तुसीं किसानी संघर्ष लई दिल्ली दीआं बरूहां ते लड़ाई सरकारां नाल लड़ी है आ के संगत दे रूबरू होण, सरदार जोगिंदर सिंह उगराहां जी धन्नवाद। सुनिया सी किसे कवि दियां कुछ लाइनां कदे के फिक्र करी ना बापू साडे समयां दी, नवियां नसलां नवी ही धरती बौणगियां,
ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਚੰਦ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਆਸਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਆਸਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਕਲੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਸਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਆਪਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਚਲੇ ਜਾਓ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਅਰ, ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਵੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਲਾ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਓਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਲੈਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ।
बिना लीडरशिप तो तुहाड़ियां 11 मीटिंगां किहदे नाल हो गईआं। बिना लीडरशिप तो यह एडा वड्डा लखां दा मोर्चा कंट्रोल किवें हो गया। बिना लीडरशिप तो यह घोल कमांतरी किवें बन गया। आ बैठी है लीडरशिप, आ एक हिस्सा बैठा है, इस हिस्से से परचे की पाए ने, डकैती का परचा, चोरी का परचा, 307 का परचा। वह घट्टो घट साढ़े कद के मुताबिक परचा तो पा दें, देश ध्रोही का परचा तो पा दें साढ़े कद के मुताबिक। ऐसा लगता भी हाँ यार साढ़े कद के मुताबिक, वो सानू कोई चोर कहो, सानू तुसी डाकू कहो, साढ़े कद के मुताबिक तो साढ़े पैरों की जुत्ती के बराबर का की परचा भी नहीं है ये। इस करके दोस्तों जदों यह लड़ाई छेड़ी सी, तुसी पढ़ लो साढ़े सारे लीडरों दी पोस्टां, पढ़ लो साढ़े बयान कि लड़ाई मोदी नाल नहीं है, मोदी दे नाल लड़ाई नहीं है, लड़ाई संसार विश्व व्यापार पॉलिसी नाल लड़ाई, WTO नाल लड़ाई है, कौमांतरी मुद्रा कोष नाल लड़ाई है, संसार बैंक दीआं पॉलिसियां नाल लड़ाई है, कारपोरेट सैक्टर नाल लड़ाई है। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई नीतियां दी है, लड़ाई कुत्ते दे मुंह चो हड्डी कढ़न दी लड़ाई है। ये वो लड़ाई है, इस हमले का जवाब है जिदे तो आ सारा पंडाल का बच्चा कोई भी नहीं बचता, जिदे तो पुलिस वाले भी नहीं बचते, जिदे तो फौज भी नहीं बचती। अज सवेरे मैनू एक कुड़ी का फोन आया, BSF च कुड़ी रहती है, वो कहती है भी अंकल असी सारे दे सारे पेंशन लैस लोग हाँ, साड़िया पेंशन नहीं लगदिया, साडा प्रोविडेंट फंड कटदा है पर जिन्ना कटदा उन्ना भी सानू नहीं मिलता। ये बधीकियां कल्ले BSF नाल नहीं, कंटैक्ट के अध्यापकों भी हो रही ने, सेहत कामे हो रही ने, एक कह के तेरी तनख्वाह 25,000 रुपये पर तेनू 17,000 देऊंगा, तेनू 25 के दस्तखत करने पैणगे। ठेकेदार 25 वसूल रहा है, साइन 25 दे हो रहे ने, 17,000 मिल रहा है। इत्थे तक्के ये सारिया पॉलिसियां उत्तों आ रही ने, मोदी ठोस रहा है, ऐस कोल ने मोदी नूं बिल्कुल निर्वस्त्र करता, ऐस कोल ने मोदी नूं नंगा करता। तुसी हैरान होवोगे राजेवाल साहब बैठे एक मीटिंग दे विच तोमर दे मूंह चों निकल गया कि जे सोडियां गल्लां मन्नियां गईयां तां कल नूं अडानी होरी धरना ला देणगे। ओए धरना लाउण वाली कौम है, उन्हां नूं सड़क तों बाहर कढ आ, वोट वालां नूं कह देंगे चक के ऐ लै जाणगे जिवें मलोट वाला उह मंत्री जा लै गए। एसियां च बह के लोगों ने खून पालिया जोक कदे लोगों मूहरे खड़ सकदियां ने। मैनू सवाल किया एक कमेडियन ने कि मलोट वाली घटना नूं तुसीं किवें देखदे हो, मैं कहा भी ठीक है अनमनुखी है, हो साडे साथियों नूं नहीं करना चाहिए,
पर टिंडिया लैन गया सी मलोट लोगों चो जो पता है भी पंजाब की जनता सानू झलती नहीं तुसी पंजाब दे लोगों च लैन की जाने हो पर यह असल गल नहीं है असल गल पता की है बीजेपी की एक प्लैन है कि तुसी पंजाब दे शहरां च ते पिंडां दे विच जाके प्रोग्राम करो लोगों के विच इन्ना गुस्सा भी थोड़ी बेइज्जती करनगे हो फिर अमन कानून की स्थिति पैदा हो फिर कहिए भी इतने राष्ट्रपति राज लागू करो हिंदू सिख का मसला बना दो फिरका प्रस्त का मसला बना दो एक पत्ता है चलिया सी कुटता किन्ने पत्ते चले है खालिस्तान का पत्ता तिरंगे की बेअबदी का पत्ता लाल किले वाला पत्ता ते हिंदू सिख वाला पत्ता एस वाई एल का पत्ता खालिस्तान का इशू किन्ने इशुआ उभारिया है सित मैं थोनू भी 10 दिसंबर की स्टेज पर असी लेखकों का कलमकारा की रिहाई की मांग कर राई का पहाड़ बना लिया तुसी राष्ट्रीय जंगी कैदियों तुसी राष्ट्रीय कैदियों की हिमायत कर दो तुसी अतवादियों की हिमायत कर दो और असी कहने कि जेड़े बुद्धिजीवी जेलों च बंद ने वो साढ़े न्याय किए हुए ने वो कलमकार ने वो इन्हां लोगों वास्ते लिखते ने वो दस दे भी तीन कानून की है वो दस दे भी गिरी लैंड ऑपरेशन की है वो दस दे भी आदिवासी इलाके के जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है वो दस दे फौजा क्यों चाड़िया ने वो सारा कुछ दस दे भी आ जो कुछ हो रहा है विश्व पारसंता के नीतियों के तहत वो दस रहे ने कि कोले दियां खाणा किनू बेचिया ने क्यों बेचिया ने वही अड्डे क्यों बेचे ने जिथों तक कानून का सवाल है ये कानून के देखा होना है अडानी से अबानी की गल बहुत चलती है हुण भला भी ये दो बंदे की गल क्यों चलती है दुनिया के सात अठ बंदे अजे ने जेडे सारी दुनिया से राज करते ये दो बंदे निशाने से क्यों आए 2014 च मोदी साहब ने अडानी का जहाज वरत्या चोणा चोणा जित गया चोणा जित गया सर अडानी नू 4 राज्यों का दालों का कंटैक्ट देता भी तू खरीद ला उन्हें दालां खरीद लिया जानी उस कंटैक्ट चो 1,80,000 करोड़ रुपया कमाया इन्हें कल अडानी उदू बाद 41 दौरे किए ने मोदी ने 41 दौर के बच्च अडानी अवानी मोदी के नाल जाते रहे 18 समझौते किए ने 15 अडानी ने 3 अवानी ने किए ने जिन्हें किया है जे ऐ कहना हो कानून तो 5 जून में आए ने जोड़ा मोगे वाला शीलो ग्राम है वह तो जून तो पहले ही बन गया सी जोड़ा रायपुर वाला 77 किलिया की खुशक बंदरगाह है वह भी पहला बन गई सी जोड़ा कैथल के अडानी का शीलो बनया होया वह भी पहला बन गया सी जैसे कानून बनाने तो पहला अडानी नूं पता सी भी कानून बन गए आपदे शीलो गोदाम आपदियां बंदरगाहां सारे ते कब्जा अडानी का करवा दिया जानी दो बंदियां नूं एक नूं खाद पदार्थों का कंट्रैक्ट दूजे नूं संचार का कंट्रैक्ट अडानी नूं गप्पे देते उहनूं गप्पे देते हुण अडानी छोटे कोल नूं देख के की कहना बाणी है ना गुजरात का हुण बाणी है की कहना है गए तो यह सारे बाणी अडानी भी अवानी भी शाह भी ते मोदी भी ये चारे भाई गुजरात के योधे है ते हुण अडानी छोटे कोल नूं देख के कहना
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਬੂਥੜ ਕੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਫਾਇਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਤੂਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਹ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂ ਛੂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ, ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਲੂਜ਼ੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਵੇਚਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਵੇਚਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਮਿਲਦਿਆਂ, ਬਾਈ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਮਿਲਦੇ ਚਾਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਹ ਭੜੂਏ ਜਹਾਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬੈਠਾ ਬਾਈ ਰੁਲਦੂ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨਿਬੜ ਜੂ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਨਾਨਾਂ ਦੀ। ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ KMP 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ 2-2, 4-4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
शिरकत करो, सानू आशीर्वाद दिओ ता कि असीं केंद्र सरकार नाल लड़ाई लड़के जित प्राप्त कर सकीए। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद काड़ा साहब, थोड़ी समुची टीम का जिन्होंने सानू विश्वास दवाया कि तुसी किसानी की पिठ ते हमेशा खड़े हो। आड़ती है ते किसान का हमेशा 9 मास का रिश्ता हुंदा है, ते मैं थोनू यकीन दवाना तुसी अगे किसान हमेशा अगे होकर लड़ाई लड़ता है, ते तुसी भी साढ़े नाल इस मंच ते लड़ाई च नाल आए हो। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। एक राजेवाल साहब, आड़ती एसोसिएशन ऑफ पंजाब ने थोनू एक मनोरेंडम देना है। मैं थोनू बेनती करदा भी कालड़ा साहब ते रजिंदर वीर जी सारे इन्हों तो संयुक्त मोर्चे की टीम समुचे तौर पर इन्हों तो मनोरेंडम प्राप्त करे। श्री रजिंदर दीप सिंह जी वाला राज्यपाल साहब जी के कोल आ जान, मोरेंडम देना है आड़ती एसोसिएशन ऑफ पंजाब ने। एक मिनट किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। साडे विच बापू खुंडे वाला जिन्हों बहुत मशहूर है, तुसी आम टीविया ते देखिया होना, अज भी खुंडा लैके साडे च आए ने। तो मैं इन्हों अक्सर जदों भी दिल्ली जा पंजाब भवन विखे मुलाकात होंदी रही तो कहिंदा कर फिक्र ना करे, कर दब के रखिया कर, खुंडा तेरे बापू कोल हैगा। तो मैं एक बार उन्होंने बेनती करदा भी वो आके स्टेज पर थोड़े सन्मुख होन। उस तो पहला प्रधान जी का एक छोटा जा जो साढ़े नाल संघर्ष लगे हुए ने, आ भी एक मिनट आपकी गल रखे। किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, तुहाडी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए है। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। साथियों, दो मैं मैसेज देना चाहना तेरे साथियों। एक जरा कल अपना 5 तरीक का FCI का अपने इतने कराओ करना, वो गिनती कल FCI के दफ्तर का आप कराओ करना पहुँचना। दूसरा साथियों, ये CID वाले साथी कोई भी साढ़े इतने हो सुन लवे, जी किसान मजदूर मुलाजम संघर्ष कमेटी वालों साडा दफ्तर चलता बस अड्डे के सामने, जिहड़ा कि उसनों म्यूनसिपल कमेटी वाले तोड़ना चाहते हैं। असं ये चेतावनी देना चाहते हैं, जे साढ़े दफ्तर उत्थे दफ्तर ना दिता गया, यह संघर्ष साढ़े संघर्ष वालों बहुत व्डा होगा। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। जय जनता, जय संघर्ष। धन्यवाद प्रधान जी। हुण थोड़े सन्मुख होन लगे ने साडे बूपे खुंडे वाले बापू जी रुलदू सिंह मानसा। सब का सब नू जी आया ना, किसान एकता, किसान एकता। तिखे संघर्ष दे राह पए मेरे किसान वीर, मजदूर वीर, व्यापारी साहबान, ते खास करके मेरिया बेटिया ते मेरिया भैणा। पहला फतेह सांझी करो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं थोड़े नाल 2-3 गल्लां सांझियां करनियां। हर एक लीडर की गल शांतमई ढंग दे नाल सुनो। पंजाब दे विच मोर्चा लगे नूं 7 महीने हो गए ने, ते दिल्ली दियां दरां ते गया नूं 5वां महीना चढ़ गया, 5वां महीना लग गया गा। कई बार आपां इह गल कह दिंदे आ वी सरकार दे कन्न ते जूं नहीं सरकी। नहीं मेरे किसान वीरो, सरकार दे कन्न ते जूं सरकी है, सरकार दे कन्न ते जूं 1 हफ्ते बाद सरक गई थी। 26 तरीक नूं जदों असीं पंजाब दे विचों दिल्ली कन्नी मादा मार्च कीता दी तैयारी कीती थी, सरकार दा एक बयान आया भी किसान लीडरां नाल 3 तरीक नूं मीटिंग कीती जाऊगी। सरकार सोचदी थी भी खबनी मीटिंग दी झाक दे विच किसान आपदे दोलण नूं
पिछे पा देंगे। जदों सरकार ना मीटिंग हुई, मेरा ख्याल है दूजी तीजी मीटिंग दे विच सरकार ने एक गल कही भी जिहड़ा बिजली एक्ट है उहनूं असीं खत्म कर दिंदे नहीं लागू करांगे, जिहड़ा पराली एक्ट है उहनूं असीं खत्म कर दिंदे नहीं लागू करांगे। ते साडी लीडरशिप दा जवाब तीगा तोमर साहब, जदों साडे कोले जमीन ही ना रही फिर असीं कीड़ी पराली नूं अग ला लांगे, ते जदों साडे कोले जमीन ना रही असीं कीड़ियां मोटरां ते सबसिडी लै लांगे। मेरा कहण दा मतलब पहली बार सरकार दे कन्न ते जू सरकी। फिर सरकार ने पेशकश की भी जिन्ने नुकते ने असी लिख के दे दें, जेड़ा नुकता सोनू माड़ा लगे वो ते तुसी काली शाही ला दियो। 12 नुकते किसान लीडरां नू सरकार ने आपदे हत्थी लिख के दिते। साडे पढ़े लिखे लीडर बैठे ने राजेवाल साहब, 12 दे 12 नुकते कल्ले किसान विरोधी नहीं थी, कोई मजदूर विरोधी कल्ले विरोधी नहीं थी, कोई कल्ले व्यापारी विरोधी नहीं थी, 12 दे 12 नुकते मेरे किसान वीरों देश विरोधी थी, गए देश विरोधी 12 दे 12 नुकते, ते सारे ते काली शाही लग गई। ते फिर मंत्री कहिंदे ने असी 12 दे 12 नुकते पासे रख दाने आ, ते आ सानू तिन्ने खोखे रख लैण दिओ, जिवें उहदे कणक पाउणी हुंदी है तिन्ने खोखे रख लैण दिओ, स्पष्ट सानू वी लगदा होऊ खोखिआं नाल कोई फर्क नहीं पैणा। असी इस गल नूं समझा वी सरकार क्यों रखणा चाहुंदी थी। फिर सरकार मेरे किसान वीरों आई, असी इहनूं 1.5 साल लई सस्पेंड कर दिंदे आ, फिर कहिंदी 2 साल लई, इत्थों तक आ गई भी 3 साल लई सस्पेंड करा लो। ते जिवें सानू सारिआं नूं इह समझ आ भी इहनां नूं ज्ञान नहीं लीडरां नूं, असी सरकार नूं इह गल कही साडे लीडरां ने जे कोई मुलाजम सस्पेंड किया जाए उहदा उचला अधिकारी उहनूं 6 महीनिआं बाद बहाल कर सकदा है, ते तुसीं जिद्दे मर्जी उहनूं बहाल कर दो, तुहाडी इह गल असीं नहीं मन्नांगे। मेरे किसान वीरों, मेरा कहण दा मतलब इह नुकते 99% लोक विरोधी ने। मोदी नूं मैं इक गल जरूर कहना भी उन्हें ठीक किया, कदे असी सोचा नहीं सीगा भी मजदूर किसान व्यापारी मुलाजम ते खास करके आड़ती है भी असी एक स्टेज ते हो जाएंगे। मोदी ने सानू कट्ठे करता, मेरा ख्याल है ये रास्ता कोई माड़ा नहीं होया, लड़न वास्ते चंगा ही होयागा जिहड़े इक प्लेटफार्म ते आ गएंगे। जिद्दे नुकते पिछले साल तैयारी की है लिया ने, पहला की चीज लिया याद करो, इस महीने के बच्च लोगों कोई पता नहीं, इको लागत कहता बीमारी आ गई जी, बीमारी आ गई, सारे लोग सहम गए, मूंह बनाते डंडे दे जोर ते अंदर बंद करते, फिर लोक विरोधी कानून लियांदे। सब नों पहला कानून मजदूरां दे विरोध च लियांदा, ज्यादे सोचण वाली गल है वो की किसे ठमे 18 घंटे दिहाड़ी हुंदी हुंदी है,
साडे बड बडेरिया ने खून डोल के उस नू 8 घंटे कराया ते मोदी ने कोई बीमारी लिया के बीमारी दिखा के साडा मूंह बना के ते दिहाड़ी 12 घंटे करती। तुसी दिमाग दे विच इह गल ना पाल लियो किते दिहाड़ी जिहड़े स्टूल कास्ट ने उही करदे ने। आपां जिन्ने बैठे आ जे इत्थे दिहाड़ी 12 घंटे लागू होगी तां बाहरले देशां दे विच वी लागू हो जाणी है ते साडे सारयां दे धी पुत साडे मुंडे जां जवाक सारे उत्थे दिहाड़ी करदे ने जाके फिर उहनां नूं ओवर टाइम 8 घंटे बाद नहीं मिलना फिर ओवर टाइम 12 घंटे बाद मिलूगा। मेरा कहन दा मतलब मोदी ने साडे मूंह बना के मजदूरां दे खिलाफ जे कह दिए 12 घंटे वाला कानून लिया ते असी रलके दा मूंह तोड़वा जवाब देवांगे। साडे खिलाफ मैं उन्हूं काले कानून नहीं कहिंदा। क्यों नहीं कहिंदा? अद्धी दुनिया जे कह दिए काले लोग ने गुस्सा करते ने। मैं लीडरशिप नूं बेनती करदा अज तो इन्हां दा कानून भगवे कपड़े कह दो भारतीय जनता पार्टी का भगवा माणा हैगा ते भगवा उन्हां दा झंडा हैगा। अज तो बाद भगवे कानून कहो जिहड़े भारतीय जनता पार्टी लियांदे ने। काले लोगों नूं असीं गुस्से नहीं करना इस गल दे उत्ते। मेरा ख्याल है इन्ना डराता सानू जेड़े हथ सी सारी उम्र च नहीं धोते सी गए सारे ने एक महीने च दबाते एक महीने च हथ दबाते साढ़े जेड़े सारी उम्र नहीं धोते सी गए सानू डरा के। आ मुलाजम खड़े ने मेरे वीर जदों भी किसी दे चोट बजती है किसी तबके से बजती है साड़ी लीडरशिप उस चोट नू पूरी आपदी निगाह रखती है। वो की निगाह रखती है? जदों अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री बनया ते देश का प्रधानमंत्री बनन सार कहा कि जेड़ा अज तो बाद पुलिस च भर्ती होगा किते भी मुलाजम भर्ती होगा उहनू पेंशन नहीं मिलेगी। ओए असीं तां कहिंदे आ जे कोई किसान घरे काम करता कोई मजदूर घरे काम करता 60 साल तो बाद 10,000 रुपया मिले। मेरे वीरो चाहे रुपया करोड़ा मिल जाए रुपया नहीं कदे खड़ता हुंदा। जे पेंशन मिलती है तो पोते पोती फेर लवे लगते ने बाबे नूं पेंशन मिलेगी ते जे पेंशन नहीं मिलू बाबे नूं पैसे किन्ने मिल जाना उन्होंने चले जाना। अगली गल इत्थे चर्चा का विषय बनया छोटे इलाके दे विच मेरा ख्याल है सानू संयुक्त मोर्चे नू थोड़ा जा संजोग रखना पैंदा है। जे कह दिए आपदे दोलन नू ध्यान दे नाल चलाउणा पैंदा है। दोलन हमेशा वास्ते 3-4 गल्लां नाल जित्तिया जांदा है। एक दोलन जितया जाता है लोगों का कट्ठ ते कट्ठ का ना दिल्ली तोड़ा ते जिथे कट्ठ करदे ना उत्थे तोड़ा ना अज इत्थे कट्ठ का तोड़ा बहुत ज्यादा कट्ठ है। दूसरा दोलन पैसे नाल जितया जाता है ते संयुक्त मोर्चे कोले जे कह दिए लोगों ने सहायता भेजी है बाहरों भेजी है पैसा पूरा मनी पूरी है। तीसरा खुराक नाल ते खुराक पूरी है। कल मानसा जिले दे विचों एक ट्राली कल आटे दी भर के गई है ते मैनू फोन करिया प्रधान जी कित्थों मखा मैं पंजाब चलिया गया कहिंदे सोथों आ दे उद्घाटन करवाउणा सीगा। मैं कोई नहीं होर लीडर सद लो किसी जथेबंदी का आ जाए तुसीं उहनूं बंड दो आटे नूं। मेरा कहिंदा जी इह चीज़ां। चौथी गल जे साडा प्रेस संजोग करे तां साडा दोलन जित्तिया जा सकदा है पर पंजाब दी प्रेस साडी प्रेस जिहड़े साडे पक्षी प्रेस है उहने साडी बहुत ज़्यादा मदद कीती है
ते साडे दोलों नूं बहुत वधिया उन्होंने दिखाया ते जिहड़ी मोदी दी मीडिया साडी विरोधी है उन्हां नूं साडी इक गल मिल जे उन्हूं सौ बार दूजे पासे जोड़दे नेगे। अगली गल मेरे किसान वीरो जिहड़ी मैं अगली गल कहण जा रहा अंदोलन हमेशा वास्ते तां जित्या जा सकदा है जे असीं अंदोलन नूं शांत चलावांगे ठंडे मते नाल रखांगे। ये मैं क्यों गल लिआंदी है असीं वारस कीदे आ असीं वारस हां दसे पातशाहियां दे असीं वारस हां दसे बादशाहियां दे एक कौम दे जनेऊ लै रहे थी ते तेग बहादुर दा असीस कट्टण दी तैयारी करी जा रही थी किसे नूं देगां दे विच बालिया जा रहा थीगा किसे नूं आरे ते चढ़ाया जा रहा थीगा किसे दा बंद बंद कट्टिया जा रहा थीगा। उस मौके संघां ने कहा गुरु जी हुक्म दिओ दिल्ली दी इट नाल इट खड़का दांगे पर साडे गुरु ने की कहा नहीं दोलन भाणा मन के चलाओ भाणा मनो असी साडा दोलन भाणा मन के चला रहे हां मोदी की कोई ताकत नहीं साडे दोलन नूं खेड़ दूगा दी कोई ताकत नहीं उहदी सरकार की ताकत नहीं। मैं जदों अंदोलन की तैयारी चल रही थी मैं दिन ते रात की मेरी जथेबंदी की एक मीटिंग सदी भी तैयारी कर लो अंदोलन बड़ा चलना है। जदों दिन चढ़िया मैनू वर्करां ने एक ही सवाल करता कहिंदे प्रधान जी जदों सरकार सारे हीले हार गई फिर सरकार की करूँ। हुण देख लो भरावो सानू पहलां पता सीगा मैं वर्करां नूं इक्को ही कहा जदों सरकार सारे हीले हार गई फिर इन्हां दे आरआरएस दे 25,000 गुंडा उन्हां नूं ट्रेनिंग दित्ती होई है फिर वह साडे ते हमला उन्हां किन्नियों कराउणगे। भरावो उही गल होई 26 तों बाद जाके टकाइन ते हमला कीता वो साडा हंडिया होया लीडर ती सियाणा लीडर ती गल नूं सांभ गया वो धरने तो हल्या नहीं ते दुबारे अंदोलन जे कह दिए पैर ला गया फिर हमला उन्होंने किथे कीता गुंडिया ने फिर हमला कीता राजस्थान दे 1,000 मुंडा गाहां बैठा सीगा पुलिस वालियां वर्दियां पा के किड्डी शर्म वाली गल है ते जाके उत्थे हमला कीता वो मुंडिया नूं जिहड़े मगर सियाने बजुर्ग बैठे थे उन्होंने आके बचाया फिर हमला किया साथों मूहरे स्टेज चलती है उस समय मैं उत्थे थी खुद उत्थे थी मैं आपदी अखी वेख्या गा गुंडिया ने आके दिन दिहाड़े हमला किया पर वह गुंडे सोडे दोलन नूं हिला नहीं सके उन्हां नूं मूंह दी खाणी पई ते वापस जाना पिया दोलनों मिलकर जचया रह गया। इस करके बेनती करना आ हाड़ी आ गई मैनूं पता है तुसी किसे ने हत्थी कणक नहीं बढ़नी जिहड़े ने हत्थी कणक बढ़नी है वह हथ खड़ा कर दो जमा दिल्ली ना जायो जिन्हें हत्थी बढ़नी है वह मशीन ने बढ़नी है वह कपैन ने बढ़नी है मशीन ने तूड़ी बनानी है। मैं एक गल कहना हुंदा इक तां सिख धर्म दे विच जे कोई हजूर साहब ना जावे कहिंदे उह सिख नहीं तो मैं एक गल कह के जाना जेड़ा दिल्ली दे धरने च ना जाऊ वह पंजाबी नहीं हैगा वह पंजाबी नहीं हैगा। सुन मैं एक बेनती करदा यह इलाका चर्चा का विशा बनया जगिंदर सिंह बोल के गए ने जदों उन्होंने पिंडां दे विच बढ़न ही नहीं दिंदे फिर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर क्यों पिंडां चाहुंदे ने कोई असी अज नहीं कहा असी उहदे तों कहा भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर होवे कोई आगू होवे उन्हां दा समाजिक बाईकाट करना है। जदों सारे लोगों ने 99% लोगों ने थोड़ा समाजिक बाईकाट करता फिर तुसी पिंडां च लैण की आउने हो इत्थे करन की आउने हो
फिर तो भरावो उही हो जिहड़ी तुसीं पिछले दिनां च कीती है। लोग उही कुछ करनगे जिहड़ा तुसीं पिछले दिनां च कीता है जदों उह पिंडां दे विच आउणगे। मैनू सवाल करता प्रैस वाले ने, कहिंदे जी हरियाणे दे विच इहनां दी सरकार है। मखां जे हरियाणे दे विच इहनां दी सरकार है फिर खट्टरा उहदा हैलीकॉप्टर क्यों नहीं लाउंदा, ला के दिखावेगा। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਭਰਾਵੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਤ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਦੇਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਸਮਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਤਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਜੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 150 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੱਕੇ ਸੈੱਡ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਰੇਆਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਭੱਜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 28 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ 18 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸੇਠ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕੁਰਕੁੰਦੀ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹਾਂ, 3ਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਸਨੋਈ ਜੀ, ਨੌ ਮੈਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ FCI ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰੀ ਰੋਡ ਹਬੋਰ, ਆਪਣੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਫਰਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ FCI ਦਾ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਉੱਥੇ
11 तो 5 चाह दा ते लंगर दा उत्थे प्रबंध होगा। ठीक है जी, धन्यवाद आगुआ दा। मैं अज धन्यवाद करदा साडी संयुक्त किसान मोर्चे की समुची टीम का, जिन्हां दे करके अज असीं सारे इस स्टेज ते विराजमान होए हाँ, जिन्हां विच मैडिकल एसोसिएशन ऑफ पंजाब वो भी सी के शुक्ला जी वो भी आने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साडी होर एसोसीएशन बार एसोसीएशन के वकील साहिबान दानेवालिया साहब की अगवाई में, साडे सैकटरी पूनिया साहब की अगवाई में 100 तो वध राज्यपाल साहब शमूलीयत की है। अज थोनू असी साबित करता है जिमीदार दे घरे जमया कोई भी पुत, चाहे वह वकील है, चाहे वह डॉक्टर है, चाहे वह खेत मजदूर है, चाहे वह व्यापारी है, चाहे टीचर, अच्छे थोड़े नाल थोड़े मोढ़ा लाने लिए थोड़े बच्चे हाजिर ने। तो मैं बेनती करता वो विभाग आगू दे जिन्हां दे विच सरदार बलबीर सिंह राजेवाल साहब, बलबीर सिंह राजेवाल साहब आपदे आके विचार रखणगे, तो उन्होंने 2 मिनट सारे नूं बेनती है अपनी जगह पर बैठे रहो। सरदार बलबीर सिंह राजेवाल साहब, किसान एकता मैं बहुत ही सत्कारयोग अज की इस एकत्रता च शामिल पिंडां चों आए किसान भरावो, मजदूर वीरो अते भैणों, स्टेज ते बैठे आगू साहिबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक थोड़ा जिहा मैं पहला अपनी गल शुरू करन तो पहला अपने वीर मेरा अजीज है रुड़दू सिंह, उन्हूं मैं बेनती करांगा मेरे वल ध्यान करे, मैं उन्हूं थोड़ा करैक्ट करना है। रुड़दू सिंह होरी कह के गए ने गल्लां च 2-3 वारी वरत्या उन्होंने, भाई मोदी दे कन्न ते जू नहीं सरकी। यार थोड़े अंदोलन ने जूआं पातियां, उन्हूं होश आउंदी नहीं, इन्ना नींद आउंदी है, जूआं खुरकी जांदे आ, तुसी हाले जू सरकी कही जाने हो। इहनू अपने आप नूं करैक्ट करो, तुहाडा अंदोलन सारी दुनिया च पहुँच गया, अज मोदी दे जूआं पाउण तक चला गया। मैं बेनती करांगा, मैं बहुत ही गंभीर गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने, चुप करके चुप दा दान बख्शो, मैं तुहाडे कोलों इहो मंग करदा, उम्मीद करदा मेरिया इन्हां गल्लां ते जाके घर विच बैठ के विचार करोगे, गौर करोगे ते उहदे ते अमल करन लई अग्गे तुरोगे। मेरे सारे साथी इस अंदोलन दी राम कहानी तुहाडे नाल सांझी करके गए ने, सारिआं ने अपने पिंडे ते इस अंदोलन नूं हंडाया, और अज ये अंदोलन सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, उत्तर भारत नहीं, सारे देश नहीं, सारी दुनिया का सरमौर अंदोलन हो रिबड़िया, सारी दुनिया दी अखां इस अंदोलन ते लगियां हुई हैं। मैं तुहाडे नाल एक गल सांझी करनी है, ये देश एक संविधान नाल चलता है, संविधान के मुख बंद नू पढ़िए उतों ही गल समझ पै जाती है भाई की असी संविधान अनुसार इस देश विच विचर रहे हैं या नहीं। संविधान के प्रीएम्बल च लिखा है, मुख बंद च लिखा है, इत्थे लोकां दी सरकार हो, लोकां द्वारा चुनी जाऊ और लोकां दे भले लई कम करू। मैनू नहीं लगता इन्हां तिन्नां दे विचों कोई गल जो सच है। अज इत्थे कारपोरेट्स की सरकार है, कारपोरेट्स के पैसे नाल चुनी जाती सरकार है, तो कारपोरेट्स के भले लई चलाई जाती सरकार है। दुनिया में दो कंसैप्ट ने, समझना पड़ेगा अज दे समय
अखां मीच के तुरना डूंगे खाई च कितें डिग पाओगे। दुनिया के जिहड़े विकसित देश ने उत्थे सरमाएदारी सिस्टम अनुसार सरकारां चलदियां, जिथे सारा कुछ कारपोरेट्स दे कोल है। साडा देश है दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी अखवाउंदा है, और साडे संविधान अनुसार असी सोशलिस्टिक पैटर्न च, जिवें सर रुलदू सिंह कह के गए ने, समाजवादी सोच अनुसार चलण वाला देश है। समाजवादी सोच विच देश का हर वासी बराबर होंदा है, हर पक्ष तो बराबर होंदा है। पर बदकिस्मती यह हुई आजादी तो बाद 74 सालों विच लोकां दे सही नुमाइंदे राज पा करन लई नहीं आए, सारा सिस्टम बिगड़ गया। नतीजा यह होया भी इस देश विच भी कुछ कारपोरेट पैदा हो गए, सारी धन दौलत कुछ कारपोरेट के हाथों चली गई, आम आदमी गरीब हो गया। मेरा यह मानना है अज की तारीख च जिहड़ा मनुख सख्त मेहनत करता है, जिहड़ा सारी दिहाड़ी शरीर भन के तोड़ के मेहनत करके जिंदगी जीवन का अहद करता है, वह भुखा मरता है। जिहड़ा पखे हेठ बैठ के काम करता है वह चंगी रोटी खाता है, जिहड़ा एसी हेठ बैठ के दिमाग ठंडा रख के कारोबार करता है पैसा उहदे वल धक्के मार मार के जाता है। इस तरह अज की स्थिति यह है, तुसी जिन्हें किसान हो, जिन्हें मजदूर हो, चाहे कोई खेतों काम करते हो, चाहे मंडिया च काम करते हो, तुहाडी मेहनत बहुत सख्त मेहनत है। शरीरक मेहनत करके थक के शाम नू तुहानू जो सिखा दिता एक ठर्रा पी के सौ जाने हो, इहदे च कुछ बचता है कि नहीं बचता, ये कदे लेखा जोखा नहीं करते। हाँ, फसल बेची, लेखा किया नहीं, कोई बचा कि नहीं, घर चलाने वास्ते कर्जा ले लिया, आड़ती तो मिलिया वो तो ले लिया, बैंक तो मिलिया वो तो ले लिया, किसी रिश्तेदार तो मिलिया पर नोट ते ले लिया, ये नहीं देखिया भी ये कर्जा बधी क्यों जा रहा है। एक गिनी मिती साजिश सी जिहड़ी सानू समझ नहीं पई। मैं इस विषय का विद्यार्थी होने के नाते 51 सालों चो मेरे जिहड़े साथी बैठे ने ना सारे तो सीनियर हां, मैं 51 सालों तो मैं इस विषय को पढ़ता रहा, मैं इस नतीजे ते उपड़िया। जदों मैं जिहड़ा कमीशन तुहाडी जिनसां दे भा मिथदा उहदे अधिकार खेत्र नूं पढ़दा दिमाग चकरा जांदा है। इन्नियां पाबंदियां ने सरकार ने लाईयां होईयां उस अधिकार खेत्र च, उहनूं कहा गया है भई जदों तुसीं भा की सिफारिश करनी, उह सिफारिश करन वाला कमीशन है, भा बन्नण वाला नहीं। भा उहदी रिपोर्ट जांदी है प्रधानमंत्री दी आर्थिक मामलियां दी कमेटी कोल, मोर लाउंदी है तां भा बणदा है। जदों उहदी रिपोर्ट तैयार हुंदी है उहनूं हदायत है भई तुसीं ख्याल रखना है जिहड़ी सिफारिश करन लगे उहदे नाल महंगाई नहीं होनी चाहीदी। की है इक खेत च कम करन वाले किसान दा उहदी जिम्मेवारी है महंगाई नूं रोकणा? महंगाई तां तुसीं आ नवां जिहड़ा शोषा छड़ता एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का नवां कानून बना के खुलियां छोटां दे दित्तियां तुसीं जखीरेबाजा नूं, महंगाई तां उहदे नाल वधनी है। किसान दे खेचों महंगाई नहीं वधदी तो उहदे ते पाबंदी है भई महंगाई नहीं वधनी चाहीदी, इहदे नाल साडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित नहीं होनी चाहीदी, इहदे नाल आम आदमी का जीवन जिहड़ा है ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਸਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ, ਸੋਚਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, MA ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਦਿਮਾਗ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ CACP ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨੀਚ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਗਵਾਰ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਚਾਕਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਤਮ ਚਾਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚ ਚਾਕਰੀ ਸੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਊ। ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਨੀਚ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੀ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਣੀ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰ ਜੀਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੀਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਆ ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਲੋਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਉਕਸਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ।
हुण साडे मुंडे साडे पल्ले होर तां कुछ है नहीं, जोश तां हैगा ना साडे मुंडे जोश चा के उन्होंने कुछ करता ते हुण चीकां कदे मारदे हो। झग्गा चक्किया सी, झग्गा चक्किया सी, भावें असीं कहने असीं शांतमय रहने पर शांतमय रहण दिओ सानूं। भाजपा वाले जो कुछ तुसी करन लग पे अज सारे देश विच असीं समझदे हां, सरकारां दी इह जिम्मेवारी नहीं हुंदी उह लोकां नूं उकसाउण हिंसा वास्ते। अज सर गुरनाम सिंह चड़ूनी इस करके नहीं आ सके, कल तुहाडे भाइयां दे उत्ते उत्ते लाठीचार्ज होया रोहतक च, उत्थे वड्डी गिणती विच किसानां दे सिर फटे, लत्तां टुट्टियां, बाहां टुट्टियां, उत्थे इक वड्डी मीटिंग अज हो रही है इलाके दे लोकां दी। नक्क च दम कीता भाजपा सरकार दा साडे हरियाणे दे भरावां ने, इसे करके अज गुरनाम सिंह चड़ूनी नहीं आ सके। मैनूं सवेरे उन्होंने कहा सी तुहाडे कोल हाजरी लवा दिया, अज डकैत साहब इस करके नहीं आ सके, उन्हां दे राजस्थान च दूजा हमला होया परसों, इस तों पहलां उड़ीसा च सी इकट्ठे सी मैं ते डकैत साहब, उत्थे हमला होया ते असीं तां आ गए बाद जो भुखतरे होए कि कृपाना जी लै के चले गए गुरु घर वल जिथे साडा सन्मान किया जाना सी। तुहाडे भरावां ने उत्थे गुरु घर के बाहर जा साडे मोटो पाड़ रहे सी कृपाना ना, उन्होंने ऐसी ऐसी छिल लाई उन्हां दी, ते मुड़ के उड़ीसा च तां कोई भाजपा वाला इही जी गलती नहीं करूगा। तो मेरा कहना है ये बहुत घटिया हरकत है, डेमोक्रेसी है, लोकराज है, जदों बार बार असीं कहने असीं शांतमई हाँ, शांतमई सी, शांतमई रहांगे, ये साडे शांतमई का इम्तहान ना लो। हर रोज तुसीं किते ना किते साडे ते हमला करदे हो, सानूं उकसाउंदे हो, ठीक है तुसीं लोकां दीआं वोटां नाल चुणे गए ते लोकां दी सुणदे क्यों नहीं। हरियाणे विच हरियाणे दे भरावां ने कह दिता उत्थे दी बीजेपी ते जेजेपी दी सरकार नूं कि जे तुसीं साडी गल नहीं सुननी, असीं तुहाडे वोटर हां, तां असीं तुहानूं शांति नाल रहण भी नहीं देना, ऐश नहीं करन देनी, तुहाडे घर अगे धरने देंगे। जदों लोकां ने घर अगे धरने दिते, तुसीं उन्हां नूं चढ़ाउण लई मुहिम शुरू कर दित्ती, ते हुण ना तुहाडे मुख्यमंत्री दा हैलीकॉप्टर उतरदा, ना तुहाडे डिप्टी मुख्यमंत्री दा उतरदा, पिट दे कहदे हो। लोकां ने पूरा मौका दिता तुहानूं, उह शांतमई रहे। कल हुण जिहड़े सिर पाड़े ने तुसीं उत्थे किसानां दे सिर पड़वा के भी तुहानूं हैलीकॉप्टर उतर नहीं दिता, तुहाडा इह किसानां दा रोह है। समझ लैना चाहीदा मोदी सरकार नूं, सारे देश विच उहदी दफा पट्टी जा रही है, बंगाल असाम उत्थे पैरां हेठों जमीन खिसक गई। मैं गया बंगाल विच, मैं पहली बारी गया सी बंगाल च, मेरा उत्थे कोई वाकफ नहीं सी। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰਲਾ ਉਛੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਆਹ ਮੋਦੀ ਭੂਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆ ਵੜਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। 300 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 325 ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆ ਬੜਿਆ, ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪੈਰ ਉੱਕੜ ਗਏ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ, ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਸਾਮ 'ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हुण मैं गल ते आउणा अंदोलन दी ते। ये अंदोलन की उम्र 4 या 6 महीने नहीं, अक्तूबर 2017 विच मैं शुरू कहानी सुनाउणा मेरे मन विच क्यों ये विद्रोह उठिया सी अंदोलन करना है। अक्तूबर 2017 च नीति आयोग ने एक मीटिंग सदी दिल्ली, उत्तर भारत चो मैनू सद्या गया। राजस्थान तो रामपाल जाट जी सन ते महाराष्ट्र तो विजय जबंदिया सी, उत्थे कारपोरेट हाउसिस दे नुमाइंदे सी, मालक सी, सीईओ सी, सरकारी अर्थशास्त्री सी, वड्डे वड्डे अधिकारी सी, 100 दे करीब बंदा सी। मुद्दा सी भई खेती च खड़ोत आ गई, और अज भी मोदी सरकार दे वेले साडी 4.3% ग्रोथ रेट सी खेती दा, जिहड़ा घट के 2.28% अज सब तो थले, अज तक दा रिकॉर्ड थले है। कहिंदे ग्रोथ रेट घट गया, इहनूं किवें ठीक कीता जाए, ये मुद्दा सी। सब तो पहला एक सरकारी अर्थशास्त्री उठिया, मैं दस रहा ये कित्थों गल चली है, वह उठ के कहिंदा जी खेती च ग्रोथ रेट दुरुस्त करन लई इनवैसटमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा किसान दे पल्ले है नहीं। कारपोरेट हाउसिस नूं बेनती करो वह इनवैसटमेंट कर। उहदे अगले हफ्ते एक कारपोरेट हाउस नूं टाइम देता, टाइम दे के वह कारपोरेट हाउस का नुमाइंदा सीईओ उठिया, पैंदी सट्टे वह कहिंदा सर असीं तैयार हाँ इनवैसटमेंट करन लई, पर साडियां शर्तां ने। शर्त की है? कहिंदा सानूं 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन दे कलस्टर बना के दे दिओ, जमीन का ठेका सरकार तय कर दे, असी खजाने च जमा करा देंगे, 50 साल लई सानू ठेके ते दे दिओ, किसान जमीन का मालक साडे कम च दखल नहीं दे सकता, ये शर्त ला दिओ। बहस हो ही गई, एक तो बाद दूजा तीजा, मेरी बारी है, नंबर कटता, रामपाल जाट का नंबर कटता, विजय जवंदिया का नंबर कटता। असी उठ के जड़े दरवाजे तो आने जाने से जो मीटिंग खत्म होने लगी अंदरों कुंडी लाती, मैं उच्ची आवाज कहा मिस्टर चेयरमैन सानू हाजिरी लाने लिए सद्या, नहीं नहीं आपकी बात सुनेंगे। मैं क्या जे सुननी होंगी साडा नंबर क्यों कटिया, अद्धा घंटा रह गया मीटिंग खत्म होने वाली है, तुसीं ये ड्रामा क्यों किया। वह मीटिंग 2 घंटे होर एक्सटेंड हो गई, साडी गल सुनी गई। मैं एक गल कह के आया जी, तो 2-3 साल मोदी सरकार चुप रही, मैं उन्होंने कहा भी एक गल समझ लो, असी जिहड़े पंजाब दे जट्टा ते हरियाणे दे जाट असी इको सभ्याचार दे मालक हाँ, असी सारी जमीन बेच दिए तां भी साडे जिहड़े धीआं पुत ने उन्होंने लोग कहिंदे ने इह जिमीदार दा पुत है, सारी जमीन विक जे तां भी, ते असी जदों धीआं पुत्तां दे रिश्ते करदे हाँ तां असी पहलां पुछदे हाँ बई मुंडे नूं जमीन किन्नी आउंदी है। ये माने की है? ये माने यह है भी असी धरती नाल जुड़े लोग हाँ, जमीन नाल जुड़े लोग हाँ, जमीन तो बिना असी नहीं नहीं। तो मैं क्या जो तुसी कदम चुकन जा रहे हो ये एडा खतरनाक है, जे गलती कर ली याद रखियो मैं वार्निंग दिना तुहानू, पंजाब दे जट ते हरियाणे दे जाट दोए सूबिया दे सूबे तुहाडे वस च नहीं रहने, जिहड़ा 2 किले वाला होऊ उहदे भी मोढ़े ते गंडासा होऊ, 20 किले वाले दे भी मोढ़े ते गंडासा होऊ, तुहाते चलिया नहीं जाणा। इहदा 2 साल असर रहा, पर मैनू कुछ होया भी ये हुण हटदे नहीं। मैं सबूत कट्ठे करने शुरू कर दिते, एक CACP की रिपोर्ट मेरे हाथ लगी, उहदे चो कहिंदे है आ जिहड़ा हुण करन लग्गिया कल नूं FCI दे दफ्तर अगे तुसीं धरना देना, एक शांता कुमार कमेटी है, मैनूं इन्ना समां नहीं मैं सारियां गल्लां कर सकां, उहदे लई कितें 2-3 घंटे चाहिए हन, ना मैं बोल सकना, सेहत ने नहीं आग्या देनी ते ना तुसीं इन्ना समां बैठ सको। मैं फिर भी इहनूं ब्रीफ विच दसण की कोशिश करांगा। वह कहिंदे अपनी रिपोर्ट च CACP कहिंदा जिहड़ा भावमिथद है, सरकार का काम व्यापार करना नहीं, सरकार आ जिहड़ी कणक झोने की खरीदो फरोख्त का काम है, इहदे चों बाहर निकले और कारपोरेट्स नूं बेनती करे वह इहदी खरीदो फरोख्त करन।
दिल्ली थैलियों बाहर आ गई। उसे अगली छह महीने बाद रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट विचों कहिंदा है भाई पंजाब च 8.5% टैक्स ने, हरियाणे च 6.5% ने। ये अनाज की सामभ संभाल से गोदामों बहुत खर्चा करना पैंदा, एफ सी ए मुलाजमान की तनखा पैंदी है। इस करके सरकार ये खरीदो फरोखत के झंझट चो बाहर निकले, अपनी खरीदो फरोखत की पॉलिसी छड़े ते कारपोरेट्स नूं इस काम चलावे। बड़ा सीधा सीधा सिफारिश कर दिती, उहदा अधिकार नहीं सी पर फिर भी सिफारिश कर दिती। उदों कुछ दिनों बाद मेरे हाथ एक रिपोर्ट लगी, मुख्यमंत्री दे मंत्री दे दफ्तर नूं प्रधानमंत्री दे दफ्तरों एक चिट्ठी आई। वह चिट्ठी च लिखिया सी, वह चिट्ठी च लिखिया सी भी जे असी कणक झोना खरीदना बंद कर दईए ते मार्केट च रेट गिर जाण, असी पाबंतर स्कीम च पैसे जिहड़े घाटा पवे वह पूरा कर दईए, ते सरकार दा तुहाडी दा की विचार है? पंजाब सरकार ने इनकार कर दिता भी ये काम साते नहीं होना, ये करप्शन होएगी, ये हफड़ा दफड़ी होएगी, किसान नाराज होणगे, असी ये नहीं कर सकते। पर तिना कागजा ने मेरी होश टिकाने लिया दी। मैं 17 फरवरी चंडीगढ़ च एक सैमीनार रखे जिदे सारिया पार्टिया के वड्डे लीडर सद लए। तुहाडा इतों सुनील जाखड़ तुहाडे अबोर्द है, ए बी सी ए कुछ ये एम एल ए अकाली दल वालों बलविंदर सिंह पूंदड़, दलजीत सिंह चीमा, तो 4-5 एम एल ए भाजपा तो आ बाजा जोड़ा रोज खड़कता है बिना पौने तो गरेवाल, ये इस तरह आम आदमी पार्टी के 4-5 एम एल ए। मैं सारे इन्होंने कागजा दिया फोटो कापियां करके दतिया, इन्हों क्या पढ़ के बोलियो तुहाडी पार्टी का की स्टैंड है, पहले पढ़ो इन्हों कागजा सरकार किधर न जा रही है देख के फिर बोलियो। जदों सुनील जाखड़ का समा आया मैं इन्हों एक सवाल किया भी जाखड़ साहब तुहाडी सरकार है दस्यो किन्ना छेती भज रही है केंद्र सरकार खरीदो फरोख तो, एम एस पी तो कदों भज रही है सरकार, सच्ची गल करो। 3 बारी मेज से हाथ मार के सुनील जाखड़ कहता एम एस पी गई, एम एस पी गई, एम एस पी गई, सारे सुन हो गए। फिर वह अगली गल करता है, क्योंकि मैं हर छमाही कदे किसान पार्लीमेंट कदे सैमीनारे दे नाते इन्हों कट्ठे करता रहना, सवाल करता रहना। वह कहता सारे पोलीटिकल लीडर भी आ बंदा मेरे वाल इशारा करके कहता आ बंदा हर छमाही आप कट्ठे करता सवाल करता अपने ते, आपां कुछ ना कुछ कह के पिछा छड़ा के तुर जाने हैं। पर अज जिहड़े सवाल इन्हें किए बहुत गंभीर ने, उन्हें सारी पार्टियां नूं अपील की भी भरावो जे अज इकट्ठे हो के ना लड़े पंजाब बर्बाद हो जाएगा, पंजाब डुब जाएगा, आओ इकट्ठे हो के लड़िए। उस मीटिंग च तुरंत माइक खो के सरदार बलविंदर सिंह पूंदड़ कहिंदे ने मैनू बेंडी लाओ, अंदोलन चलते साल हो गया मैनू नहीं लभ्या पूंदड़ कित्थे आ बेंडी लगन वास्ते, और तुसी चले जाने उन्हां दी रैलियां च, तुसी बेटो रोक टोक अज भी बहुतियां नूं बुखार चढ़िया तुसी ओह रैली करदे ने जाने उत्थे पर भर के गड्डियां। अज तक कोई पोलीटिकल पार्टी सानूं लभी नहीं जिन्हें यह कहा होवे भी मैं जत्था भेज के आ मैं अपनी ड्यूटी निभाउणा, पंजाब बर्बाद हो रहा, हरियाणा बर्बाद रहा, खेती किता बर्बाद हो रहा, इहदे लई मेरी कोई जिम्मेवारी है साडी पार्टी कुछ करू नहीं। हुण अगली गल पुछ लैना, वध अधिकारां दा मता आनंदपुर साहब दा मता बहुत बारी सुन लिया, असीं सारे जिहड़े बैठे हाँ सरकार दा कोई म्यार नहीं एदी गण। मैं बड़े प्रधानमंत्रियों ने भरावो डील किया है, इंदिरा तो लैके सारे प्रधानमंत्रियों ने बड़िया मीटिंगा की है। अज दे प्रधानमंत्री वर्गा झूठा और बेईमान प्रधानमंत्री कदे देखा नहीं, यह जहा माड़ा प्रधानमंत्री यदि सरकार मैं नहीं देखी। सरकारों तो आस हुंदी है जो सरकार कहदियां कर दियां ने उहदे ते अमल करना हुंदा सरकार ने, और उन्होंने देश चलाना हुंदा सारे लोगों का ख्याल रखना हुंदा, यह नहीं हुंदा भई सरकार लोगों आपो विच लड़ा के देश में बदम नहीं पैदा कर जी अच्छ भाजपा कर रही है, यह नहीं हों कभी।
सरकार तो यह आस नहीं होंगी भी अपन एजेंसियां ना ही अपने लोगों से डांगा मरावे उन्होंने कुट्टे मारे और देश में बदम नहीं पैदा करे। सरकार तो यह आस नहीं होंगी पर यह सरकार सब कुछ कर रही है, कोई इखलाक नहीं। जिम्मे कह रहे थे उगराह साहब 56 इंच की छाती, इन्होंने तो 10 इंच फेर कहता, मैं तो लगता सुकड़े गई वो छाती ही नहीं है कितने दी दी। जिहड़ा प्रधानमंत्री कदे प्रेस के सामने नहीं सी हुंदा हुंदा, रिकॉर्ड है पिछले 6 सालों में दफ्तर चो स्टेटमेंट जारी हुंदी सी, अज हुण रोज किसान अंदोलन ते कोई ना कोई स्टेटमेंट दिंदा है। इहदा मतलब जूआं इन्नियां पै गईआं सौण नहीं दिंदियां। तुहाडे अंदोलन ने सारी दुनिया च इन्नी बदनामी कर दित्ती। मैनूं इक बहुत ही वड्डा आदमी मैनू मिलिया पिछले दिन ही, और मैनू कहिंदा अज 3 लीडर दुनिया के बदनाम हो गए, जिन्हां विचों एक मोदी है जिन्हों दुनिया के लीडर कहण लग गए। नवें हिटलर जम पे, बचो इन्हां ते, नवें हिटलर जम पे इन्हां तो बचो, ये खा जाणगे लोगों। मैनू जिमी कार्टर साबका राष्ट्रपति अमरीका का 26 जनवरी तो पहला एक ईमेल करके जी मैं पढ़ के सुनाई, उत्ते किसान मोर्चे दे विच ईमेल मेल करके कहिंदा है, वह मिसाल दिंदा है भी जर्मन च यहूदी 6 लख तां मरे क्योंकि जर्मन दे लोक सुते रहे तमाशा देखते रहे, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। जे जर्मन दे लोक उस वेले आवाज़ उठा लेंदे तां हिटलर 6 लख लोगों नूं मार नहीं सी सकदा। उन्हें कहा हिंदुस्तान की स्थिति अजे बनी हुई है, उत्थे लोग सुते पए ने, वो एक एक करके सब नू मारी जा रहा। उत्थे दा प्रधानमंत्री वो कहिंदा उन्हें इन्ना पैसा इकट्ठा कर लिया और ये भी अधिकार ले लिया, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं मंग सकता। जिमी कार्टर अमरीका का साबका राष्ट्रपति मैनू ईमेल करके कहिंदा, वो कहिंदा हिंदुस्तान च MLA बिकते ने, MP बिकते ने, डेमोक्रेसी बिक रही है, सब कुछ खतरे च है, ते जे दुनिया दे लोग ना जागे ना उन्होंने आवाज़ बुलंद की तो हिंदुस्तान विच 6 लख तो वध लोग यहूदियों नालों भी बुरी हालत मार दिते जाणगे। अमरीका का साबका राष्ट्रपति उस विच लिखता है भी मैं 95 वर्षां का हो गया, मेरे घरवाली रूसवेल्ट 94 साल की हो गई, मैं अज ये महसूस करदा तां मैं तुहानूं ये मेल कर रहा, तकड़े होके लड़ो नहीं सारा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये 26 जनवरी तो पहला उन्हें कह दिता सी, 26 जनवरी होया। और कदे मैं अपनी जिंदगी कदे सोचा भी नहीं, आस नहीं रखी भाई सरकारां लोगों नूं धार्मिक लड़ाई बना के मार देना चाहुण। 26 जनवरी का दिहाड़ा जो कुछ साडे नाल होया वो एक बार फिर 1984 बनाउण दी खेड सी। ये वक्री गल है भी सरकार कामयाब नहीं हो सकी, ये वक्री गल है भी साडा भाईचारा इन्ना मजबूत सी, साडे हरियाणे दे भरावां ने, यूपी दे भरावां ने एक बारी छपाल डिगे अंदोलन फिर आके जफ्फी पा के खड़ा कर दिता। अज जो साडे जफ्फी इन्नी मजबूत पई है भरावां दी, हरियाणे पंजाब दे ते यूपी दे भरावां दी, हरियाणे दी सरकार ने SYL दे नां दा राग छेड़ के फिर लड़ाई पाउण दी कोशिश कीती सी। शाबाश उहनां भरावां दे जिन्हां ने तोड़ के जवाब दिता हरियाणे दे उस मुख्यमंत्री नूं जिन्हें कट्ठ विच SYL दी गल कीती भी SYL दी गल छड्ड, जे जमीन बचू तां पाणी दी गल करांगे, क्यों सानूं लड़ाउणा है, भज्जा इत्थों। और लोकां ने इकट्ठे हो के इस गल ते मंत्री नूं भजा दिता। ये शुरू दीआं गल्लां ने साडा, इसे करके मैं कहना साडा सभ्याचार एक है, असी एक हाँ, इको मां दे जाए हाँ। और ये गल बकड़ी हुण तोड़ी नहीं जा रही मोदी तो, इस करके उन्हूं जूआं पईआं, उन्हूं जूआं सौण नहीं दिंदियां। भरावो बहुत कुछ है कहण नूं, मैं तुहानूं इको गल करनी है। ये इको गल नहीं, जिन्हां दिनां विच सरकार नाल गलबात चल रही सी, सरकार कहिंदी है 11 मीटिंगां होईआं कुछ निकलिया नहीं, सरकार दा गोदी मीडिया असलीयत दसण लई तैयार नहीं। पहलियां 4 मीटिंगां 6-6 घंटे दी एक एक मीटिंग कलॉज बाई कलॉज बहस करके असीं साबित कर दिता भी ये जिन्ने कानून बनाए ने ये लोक विरोधी ने, देश विरोधी ने, ये किसान विरोधी ने।
असी साबित कर दिता भी ये कानून संविधान के उल्ट ने। एक एक सैक्शन से बहस हुई, जो बहस होंदी सी वो लिख लेंदे सी अच्छा जी ये चाह सोध कर दें, अगले सैक्शन से हुई अच्छा जी ये चाह सोध कर दें, तीए ते हुई अक्सर एक लंबी लिस्ट बन गई। एक मंत्री जी मैनू कहिंदे ने राजेवाल जी सारे सी असी ऐसा करो इसमें इतने संशोधन करा लो, इतने संशोधन करा लो, इसमें कुछ भी ना बचे, बिल्कुल इनइफेक्टिव कर दो, इसमें जान ही ना बचे, एक तरफ कानून पड़ा रहेगा लेकिन वापस लेने को ना कहो। मैं कहा जी क्यों, हमने इतने सुधार किए हैं, बहुत सारे लेबर लॉज बनाए हैं, अगर आज वापस ले लेंगे तो कल लेबर आके बैठ जाएगी। तो मैं कहा मंत्री जी अगर इतने पाप किए हैं तो एक बार ही गंगा नहा लो। मंत्री जी मीटिंग छड़ के भज गए। की कर सकते हैं असी, साडे कोल कोई कलम की ताकत नहीं, लोगों की ताकत है, लोगों की ताकत नाले उत्थे जाके बह गए, उसकी दुरवरतों कर रहे ने, लोगों की दिती हुई ताकत की दुरवरतों कर रहे ने, लोगों नू वल अनवेसला होके ये सानू कहिंदे ने, टैलीफोन करके बार बार कहिंदे ने, इहदे वड्डे मंत्री ऐसा करो कोई ऐसा तरीका निकालो हमारी भी इज्जत बच जाए, आपकी भी मांगे पूरी हो जाए। हुण दसो साडा काम इन्हां दी इज्जत बचाउण दा, जे तुसी इहो जे काम करोगे जिहड़े देश विरोधी ने, लोक विरोधी ने, संविधान विरोधी ने, काम तुसी करो इहो जे पुठे ते इज्जत बचाउण दा काम साडा है। साडे कोल इक्को रस्ता सी संविधान मुताबक, इक्को रस्ता सी शांतमई अंदोलन। एक गल समझ लेनी चाहिए सारे वीरों को, बार बार मैं उत्ते स्टेजा तो कहना जोश और होश जे दोहां दा सुमेल हो जाए कोई दुनिया की ताकत तुहानू हरा नहीं सकती। जोश ते होश कायम रख के लड़ना पएगा, जोश की भी लोड़ है, पर इहदा मतलब यह नहीं वी असीं भन्न तोड़ करिए। सरकार ने तुहाडे अगे एक तरह नाल गोडे टेक दिते ने, 11 मीटिंगां दे बाद सरकार अज गल करन लई इस लई तैयार नहीं, उहनां कोल तुहाडी गल दा कोई जवाब नहीं, सरकार लाजवाब हो गई है, बाहियात सरकार भरम फैला रही है लोकां च, उहनां दे पल्ले कुछ नहीं। एक मीटिंग च मंत्री, खेती मंत्री जिहड़ा कही जाए नहीं जी मैं इह तां संविधानक उलंघना सी कीती नहीं, असीं 7 पार्लीमेंट क्वेश्चन कढ के लै गए, 7 कला कला क्वेश्चन पढ़ के सुनाया भी मंत्री जी तुसी इस तारीख नूं इस सवाल के जवाब च फलाने MP नूं कहा खेती स्टेट सबजैक्ट है, तुसी इस तारीख नूं इस सवाल के जवाब च फलाने MP नूं कहा खेती मार्केटिंग स्टेट सबजैक्ट है। 7 बारी पढ़ के सुनाया भी तुसी 7 बारी कहा असी मंडी च व्यापार करन नहीं जाते, तुसी ये व्यापार लई कानून बनाया है, असी तां मंडी करन जाने अपनी फसल का, इस करके तुसी ये कानून बना नहीं सकते। कोई जवाब नहीं। असी कहा भी तुसी ये कानून बना के संविधान की उलंघना की है, तुसी कहने असी कंकरेंट लिस्ट चों 33 नंबर आइटम लई है, उहदे विच लिखिया फूड स्टफ ते कानून बना सकते ने, पर असी कहा भी फूड स्टफ तां असी पैदा ही नहीं करते, असी फूड ग्रेन पैदा करते हाँ, असी कणक पैदा करते हाँ, आटा बाद च बनता, आटा फूड स्टफ है, कणक फूड ग्रेन है, असी झोना पैदा करते हो फूड ग्रेन है, वो बाद च चौल निकलता जो फूड स्टफ है, तुसी ये कानून बना ही नहीं सकते। मंत्री जी कोई जवाब नहीं, 2 मिनट कह गए अच्छा मैंने कहा होगा, मैंने कह दिया होगा, मेरे से मुँह से निकल गया होगा, 2 मिनट इदा करके उठ के चल गया, अच्छा आप बैठो हम आते हैं, 5 घंटे नहीं आया। की करन किसान आगू, सरकार जी तो इंसाफ की आस हुंदी है, और जिन्हों अन्नदाता कहिंदे हो, कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं, निरोध समाज नूं बचाउण लई, क्योंकि सारा कुछ खेती ते जुड़िया, साडी इकोनमी का आधार तुरा खेती है, और उहदा आधार पंजाब बनिया, पंजाब दे देश आधार ने सारे अंदोलन की रूपरेखा बदली, अज पंजाबियों का सारी दुनिया में माण वध्या है, क्योंकि तुसी इहदा आधार बने हो, जिहड़े तुहानू
शक की निगाह ने देखा करते सी, अज सब दे दंद जुड़ गए। दुनिया कहती है भी कोई दुनिया च मनुख पैदा होए ने, कोई रेस पैदा हुई है पंजाबियों की जिन्होंने सारी दुनिया नू कारपोरेट्स के खिलाफ खड़े होने का राह दिखाया। लड़ाई कारपोरेट वर्सिज सैकूलर सोशलिस्टिक पैटर्न की है। सानू यह मंजूर नहीं अमरीका वर्गे देशों जिथे फार्मूला लागू होया। वालमार्ट जो आया 80% जमीन सीधा ही हथे आ गया अमरीका की। अज उ बिल गेट्स के कोल पौने 3 लाख एकड़ जमीन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है भी आने वाले 30 साल फूड शॉर्टेज के ने, क्लाइमेट चेंज नाल दुनिया च अन्न संकट पैदा होने वाला है। उन्होंने कहा भी जमीन पर कब्जा करो, उस कड़ी थोड़ी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सबनों पता है और मोदी चाहता है भी वो दो चहेते ही इतने दुनिया के व्डे कारपोरेट बन। अंबानी तेल सैक्टर वो को गजब साई का साड़ी ONGC की रिफाइनरी दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है। उत्थे तेल साफ नहीं होंदा, अंबानी की रिफाइनरी तेल साफ होंदा। दुनिया च असी जिहड़े लोग देश च बसते हैं किसी नूं परवाह नहीं, ते साड़ी डिफेंस दी अज तक जिन्ने हथियार बनाउंदे सी साडे डिफेंस दे इंजीनियर बनाउंदे सी, डिफेंस जबरदस्ती अडानी घसोड़ता और 69,000 एकड़ जमीन जिहड़ी डिफेंस दे कारखाने दे नाल लगदी है वह मुफ्त अंबानी नूं देती। BSNL तो लसेंस लैके अंबानिया ने सारे कम्युनिकेशन सैक्टर से कब्जा कर लिया। कोल सैक्टर च अडानी, रेलवे च अडानी, बंदरगाह च अडानी, हवाई अड्डे च अडानी, हुण खेती च भी अडानी। ये भरावो इहदी कोई हद नहीं। ये सिर्फ किसानां लई नहीं, पर याद रखो जिहड़े दूजे वर्ग ने भरावां नूं मैं कहिंदा जिन्हां नूं पंजाब वाले नूं समझ आ गई, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की जिहड़ी सोध है उहदे नाल किस रोटी जिहड़ी है तुहाडी सरमाएदारां दे गोदामां च कैद हो जाएगी, तुहानूं अन्न नहीं मिलेगा, वह अपनी मर्जी नाल अपने पा बेचेगा। ये लोगों ने देखना आ जिहड़ा FCI का ड्रम है जिहड़ा हुण शांता कुमार कहिंदी इहनूं कमेटी कहिंदी इहनूं डिस्पेंड कर दिओ। कदे कहिंदे ने जी असीं जमीन की फर्द दे उत्ते असीं कणक खरीदांगे, कदे कोई बहाना। असल विच सरकार भजना चाहती है और जिदन भज गई, तुसी याद रखियो 135 लाख टन कणक तुहाडे कोल हुंदी है, इन्नी सरपलस है कोई गाहक नहीं इहदा जे सरकार ना खरीदे। 185 लाख टन झोना पंजाब च पैंदा हुंदा है, तुसी चौल खाण वाले लोग नहीं। रुल जाओगे तप्पड़ बिक जाणगे, कख नहीं लभना, तुसी सड़कां ते तुरे फिरोगे। इसलिए कल नूं सारे देश विच देश दे लोकां दे हित च तुहाडियां इन्हां जथेबंदियां ने फैसला किया है भी असीं कल नूं FCI दे दफ्तरां अगे धरने देवांगे। असीं FCI बंद नहीं होण देणी। असीं गरीब दी आटा दाल स्कीम बंद नहीं होण देणी। इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट साढ़े को जरा मीटिंग जमान चुके, जब तक तुम सहमत नहीं होंगे असं पार्लीमेंट पेश नहीं करा, दो सैशन लंघ गए नहीं पेश होया। तो जे ये एक्ट बन जाता तो थोड़े मोटर के बिल लग जाने हैं, जेडे 200 यूनिट गरीब न फ्री मिलता वह नहीं मिलना। एड्डी लंबी लाइन है मैं जी अज व्याख्या नहीं कर सकता। इन्ने कानून आ रहे हैं, टोटल कारपोरेटाइजेशन हो रही है देश के हर चीज़ की। देश का एक एक अदारा बेचा जा रहा, 100 कंपनियां सेल से लगी हैं। सरकार ने बजट स्पीच कहता, सारा कुछ बेचा जा रहा है। तो देश वासी जाग जाओ। चोर जिहड़ा कहिंदा सी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सब कुछ खा रहा है, सब कुछ खा रहा, सब कुछ खिला रहा, तुहानू कुछ नहीं दे रहा, तुहानू पता नहीं लग रहा। जे हुण भी ना संभले किसी ने नहीं बचाउणा। मेरी तुहानू अखीर च एक बेनती है, बहुत कुछ कहण नूं है पर मैं समय दी नजाकत बचाण दिया, मैं तुहानू एक बेनती करनी है। सनिमर मोर्चा चलता है दिल्ली के बॉर्डर से, हाड़ी दी वाड़ी भी है,
सर रुलदा सिंह ने तुहानू कहा सी हथ खड़े करो किन्नियां ने हथी वढ़नी है, सानू पता हथी नहीं वढ़नी, कंबाइना ने हाड़ी वढ़नी है। उत्थे जाओ तां इत्थे पिंडां च बैठ के जो किसी नूं चंगा किसी नूं माड़ा कही जांदे, हो सकदा सी सारे ही माड़े होईए पर लड़ तुहाडे लई रहे आ, तुहाडे भविख लई लड़ रहे आ, तुहाडे बच्चिआं लई लड़ रहे आ। उह लड़ाई तुहाडी आ, सारिआं दी है। इत्थों हुण गिणतियां मिणतियां छड्डो, असी तय कर लिया कल नूं एफ सी आई दे दफ्तर अगे बैठांगे। 10 तारीख नूं के एम पी दिल्ली की शाहरग उन्हूं 24 घंटे लिए जाम करांगे। अगले महीने तरीक हाले तय की नहीं, पार्लीमेंट वाल कूच करांगे, किवें करना तुहानू बाद च दसांगे। पर एक गल ख्याल रखनी है, शांतमई हथ बन के पार्लीमेंट वाल जावांगे। भी कोई यह ना कहे इन्हों के हाथों च गंडासा सी, इन्हों के हाथों च कोई हथियार सी। दुनिया तुहाडे वल देखेगी, अज सारी दुनिया तुहाडे नाल है। पहली बारी यारो तुसी सोचो तो सही, कोई अंदोलन अज तक होया है हिंदुस्तान च? अंदोलन होवे हाउस ऑफ कॉमन च बहस होवे इंग्लैंड की, हाउस ऑफ लॉर्ड्स च बहस होवे इंग्लैंड की, ये कभी होया है? अमरीका दियां 87 जथेबंदियां ने अमरीका की सब तो वड्डी अखबार न्यूयॉर्क टाइम च फ्रंट पेज बुक करा के तुहाडे अंदोलन की हमायत की है, कभी होया? ऑस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी, कनेडा की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी, न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी, कभी होया? सारी दुनिया तुहाडे नाल खड़ी है। यूएनओ च मसला विचारिया गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्हें भारत सरकार नूं नोटिस दिता, साडी सुप्रीम कोर्ट नूं कहना पिया भारत सरकार नूं भी जिनी देर पीसफुल ने तुहानू कोई अधिकार नहीं, इन्हां ते तुसीं पुलिस फोर्स या कोई पैरामिलिट्री फोर्स इस्तेमाल कर सको। इस ये अंदोलन किन्ना दूर पहुँच गया, असीं अपने पिंड च किन्ना पिछे बैठे हैं, सोचे तो भला जाके घर च पुछे हो, कहण जी तां हरेक दा करदा है, भगत सिंह जम्मे पर जम्मे गुआंढियां दे मेरे घर ना जम्मे, कौन देगा कुरबानी? जे तुसी नहीं हिलना कौन देगा कुरबानी? और एक मैं होर चौकस कर दिया, तुहानू बड़े सोशल मीडिया से बड़ा कुछ हुंदा है, बहुत सारिया फोर्सिस ने जदों दे असीं उत्थे जाके बैठे हैं जिन्होंने पूणी नहीं कती। असी जिहड़े लोग आ बैठे हाँ 32 जथेबंदियां वाले मर गए असी 2-2 साल तो तुहाडे को पिंडा च घूमदे अंदोलन खड़ा करन लई, 2-2 साल की मेहनत लगी सानू ये अंदोलन खड़ा करन लई, 2-2 साल तो असी मेहनत करके मोदी असी 2-2 साल तो मेहनत करके अंदोलन खड़ा किया। उत्थे साडे विच जिन्हां ने पूणी नहीं कती, कोई कुछ कहिंदा कोई कुछ कहिंदा, साडे ते किंतु परंतु करदा, कोई सिक्खी का वास्ता पाउंदा, कोई कुछ कहिंदा, अंदोलन नूं तोड़न की कोशिश करदा। 26 जनवरी असी बचा लिया 1984 होने तो, 28 जनवरी बचाया असी 1984 होने तो। ते मैं वो जिहड़ा वड्डा आदमी मैनू मिलिया, मैं उन्हूं कहा कदे हुंदा है ते अपने देश दे उस कौम नूं जिहड़ी बॉर्डर ते खड़ के तुहाडे देश की राखी करदी है, सानू तुसी खालिस्तानी कहा मोदी ने, जिस दिन खालिस्तानी कहा तुहानू पता है कुछ की होया सी? उदण साडा एक बच्चा पाकिस्तान के बॉर्डर से शहीद होया, उहदा बाप साडे कोल बैठा मोर्चे च बैठा है, असी देश द्रोही हाँ, इन्हां लोगों नूं शर्म नहीं आती भाजपा वाले नूं? सानू खालिस्तानी पाकिस्तानी कदे कुछ कहिंदे ने, और साडा एक दा मर गया फौज च, दूजा उहदा प्यो साडे विच बैठा है। तुहाडे तां गुजराती कोई फौज भर्ती ही नहीं हुंदा, जदों देश आजाद होया लखां मरे पंजाबी, लखां मरे बंगाली, किन्ने गुजराती मरे? कोई भी नहीं। जदों देश आजाद होया 95% फांसियां ते चढ़े, असी गुजराती एक भी नहीं। गुजराती व्यापारियों ने बैंकां नूं लुट्टण वाले ही ने, अंबानी अंडानी सारे या किधरे कोई पता नहीं की नौं ने सारे गुजरातियां दे चाके देश दा धन लुट के बैंकां चों लै गए, ते हुण कहिंदे सारियां बैंकां बेच दिओ प्राइवेट कर दिओ, एक बैंक रखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे बेच दिओ, देश दे सारे अदारे बेच दिओ, ते तुसीं चुप करके बैठे रहो, तुहाडे ते भी गिला है। ठीक है तुहाडे धन्नवादियां तुसीं इत्थे आए हो, मैनूं लोड़ है तुहाडी इस गल लई, सानूं सारिआं नूं तुहाडी लोड़ है, जिन्ने तुसीं इत्थे आए हो तुसीं इहदे सिपाही बणो, सारे पंजाब च घूम जाओ, एक एक बच्चा बॉर्डर ते पहुंचा दिओ। जिदन तुसी ये मन बना लिया, मैं उत्थे एक गल कहना,
सर रुद्दू सिंह ने भी कही सी, साडा इतिहास है गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बह के शहीद हो गए। उन्होंने अपने पैरोकारां नूं ये नहीं कहा भी मेरा बदला लिओ, ये नहीं कहा भी हिंसक होयो। असीं इन्हां दे जनेऊ बचाउंदे बचाउंदे नौवें पातशाह दी कुरबानी देती। उन्होंने ये नहीं कहा भी मेरे पैरोकार मेरी शहीदी का बदला लैण। उन्होंने भावें यह कहा ना पै काहू को देत ने ना मैं पान पै आन ना पै मानत आन। गुरु साहब ने कहा पर सानू सिखाया शांतमई तरीके नाल लड़ना। असी उहदे पैरोकार इस देश नू आजाद करके अज भी दो नंबर दे शहरी बने रहीए। जे थोड़ा बहुता तुहाडे मन विच तुहाडे बजुर्गां दा पूर्वजां दा खून बगदा ख्याल है भरावो, हथ जोड़ के तुहानू बेनती आ भैणां नू बीबियां नू बचा लो इस देश नू। बेच के खा जाएंगे एक एक चीज है मोदी सरकार भाजपा वाले, ये देश द्रोही ने, देश दे हमायती नहीं। किसी ने कुटना मारना नहीं इन्हों, इन्हों का जीना हराम कर दौ, इन्हों दुकानों से सौदा लेना बंद कर दौ, आपे भज जाएंगे। जोड़ा बहुता बोलता उन्होंने बोली जान दौ, जिमें कुत्ते भौंकते होंगे इन्होंने भौंकी जान दौ। तुम अपने काम से शांतमई तरीके लड़ाई लड़न तैयार रहो। तुम कहो कि मैं अज भावक हो गया, मैं अज हो तुहाडे विच आ के तुहाडा सारी उम्र तुहाडे लई लाई है, आस रखदा पंजाब नूं बचाओगे, देश नूं बचाओगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। किसान एकता, किसान एकता। धन्नवाद राजेवाल साहब, सारे थोड़े बुलारे रह गए। मेरी बेनती है साडे विच जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब भी उचेचे तौर पर सारे काम छड्ड के पहुंचे ने, मैं उन्होंने भी जी आयो कहना। उस तो बाद सोनिया मान जी तैयार रहन, दर्शन औलख जी ते गुरविंदर बराड़ भाई थोड़े वास्ते हाजिर है, बिल्कुल जो तक कहोगे उदों तक इत्थे रहणगे। तो मैं बेनती करदा मेरे बिल्कुल तो मैं सब तो पहला बेनती करदा सोनिया मान जी नूं, उस नाल मेरी छोटी भैन हरनीत बराड़ भी आए ने, दोनों इकट्ठियां स्टेज पर संगतां दे रूबरू होण ताकि थोड़ी हाजरी अबोर दी संगत कबूल कर सके। सोनिया मान जी एक मिनट लई दर्शन औलख जी अबोर दी धरती तो अपने विचार रखणगे। पहला वाहिगुरु की दित्ती फतेह की सांझ पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक जकारा जरूर छड़ांगे पिछे संगत, मेरी बेनती है कोई बंदा उठ के ना जाए। साढ़े उचेचे तौर तो लीडर बहुत दूरों पहुँचे ने, मैं तुहाडा धन्नवाद भी करूँगा ते सारयां नूं बेनती करदा एक जकारा छड़ के प्लीज़ बैठो एक बारी। बोलो सोनिहाल ते आजाद किसान मोर्चा जिन्होंने उचेते तौर पर मैं सद्दा दिता है, मैं इस धरती उचेचे तौर पर सजदा करदा क्योंकि ये धरती मेरे बुजुर्गों की है। जिथे तुसी बैठे हो इतों लैके सखेरा बस्ती जम्मू बस्ती तक, वो पहला पाकिस्तान तो उजड़ के आए तो उन्होंने आके जड़ी कच्ची अलाटमेंट सी जमीन की वह अल्फू हामद पिंड च करती, उत्थे सारा ही शोरा सी, सारा कलर सी। उतों आके इतने उन्होंने टिब्बे पद्धर किए, फिर जमीन शहर च आ गई। इतों गुरद्वारा नानक सर मेरे ताया जी की जमीन सी, जो खोज हुई तो उन्होंने विआह नहीं कराया सी, तो जमीन उन्होंने गुरद्वारा साहब नूं दे दित्ती सी। ये सारी जमीन का मैं उचेचे तौर पर इन्होंने सद्दा दिता सी, मैं सारे काम छड़ के थोड़े दर्शन करन आया। मेरे बुजुर्ग मेरिया मावं भैं मैं तय दिलों उन्हों का धन्यवाद करदा। तो अज सानू 130 दिन तो ज़्यादा दिल्ली च बैठा हो गए, 2 महीने तो बाद पंजाब च हो गए। तो मेरे बहुत सत्कारयोग जिन्हें भी साडे किसानी लीडर आ, इन्हों का मैं तय दिलों धन्यवाद करदा। इन्होंने साडे अंदर जज्बा पैदा किया। तो मैं एक गल कह देनी चाहना, जे किसान रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा, जे किसान रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा।
ना किसे हिंदू नू खतरा है ते ना हिंदुस्तान नू खतरा है। मेरी एक गल याद रखियो, थोड़िया आने वाली पुश्तां नू जरूर खतरा है। जे ये आखिरी लड़ाई है, जे तुसे हार गए ते आने वाली नस्लां थानू माफ नहीं करनगियां। ये साडे किसान जिन्नियां जथेबंदियां ने इन्होंने ऐसा जूड़ पाया दिल्ली जाके सरकार नू, हुण लत्तां मोदी दियां बन लिया इन्होंने। इस करके मैं बेनती करदा कि तुसीं जिन्ना चिर कट्ठे रहोगे तो एक रहोगे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सारा सरबंस वार दिता ते मलेरकोटले दे कुछ लोगों ने हाँ दा नारा मारिया सी, अज भी जाके उत्थे बैठे ने बार्डर के उत्ते सेवा निभा रहे ने। मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा, पर इन्हां नूं शर्मिंदगी होनी चाहीदी आ BJP दे लीडरां नूं। इन्हां ने अपनी ना तो लीडरी छड्डी ते ना ही अपने होर काम छड्डे, उत्तों ये कपड़े लवाउंदे फिरदे आ थां थां दे उत्ते, इन्हां नूं शर्म नहीं आउंदी। जे इन्हां ने इस्तीफे दित्ते हुंदे तां तुसीं इन्हां दे हार जरूर पाउंदे। साडी की मजबूरी सी, साडी की मजबूरी सी, साडे बच्चे पहला नशा च डोबते फिर समुद्री जहाजा च डोब दते, अद्धे तो वध ज़्यादा पंजाब खाली होके बाहर चला गया। उहदे पिछे सरकारां सीधे ते असिधे रूप दे विच जिम्मेवार ने। असी पिछे जे 80% दीआं साडीआं कुरबानियां ने, साडी कौम दीआं 80% दीआं कौम दीआं कुरबानी वालिआं नूं सानूं इह इहनां ने उहदा दित्ता मुआवजा दित्ता कि साडे बच्चे बेघर हो गए। ठीक है, अपने बच्चे बलबूते जे जाके कामयाब होए ने, पर जिहड़े कोई इंजीनियर डाक्टर इत्थों गए वह भी ड्राइवरियां करके बेचारे पेट पाल रहे ने, क्योंकि इत्थे कोई साडे कोल रोज़गार नहीं सी। साडे कोल जे इक्को इक रोज़गार साडी जमीन साडी मां सी, वह भी खोण की कोशिश की जा रही है। जे पंजाब बचाउणा है तो मेरी एक बेनती है, जथेबंदियों के बहुत सत्कारयोग लीडर बैठे है, असी चप्पड़ चिड़ी बाबा बंदा बहादुर जी दे उत्थों शुरू की सी मुहिम भी जे पंजाब बचाउणा तो पिंड सियासत फ्री करो। पिंडां दे विच सर्वसंमति नाल जिहड़े सरपंच चुने जाण उत्थे इलैक्शन ना होवे तां बचोगे तुसीं, नहीं तां रगड़े जाओगे। मेरी गल याद रखियो, पिंडां चों सियासत कढ दिओ। 20 घर इस पार्टी दे 20 इस दे किन्नियां पग्गां लैंदियां, किन्ने तुहाडियां दुश्मनियां पै गईआं, भरावां वांगू रहिंदे सी तुसीं, तुहाडा जो इन्हां ने हाल कीता। मैं दो गल्लां करनियां, मैं अपने शहर च आया, अपनी जमीन ते आया, मैं इन्हां नूं बेनती करूँगा ते एक छोटी जी मैं जिहड़ी बेनती है वह जरूर करूँगा कि UP तो जदों 1.5-2 करोड़ भैया साढ़े कोल इत्थे आ गया सी, तुसीं किसे ने सोचा नहीं सी क्यों आया, क्योंकि उन्होंने कोल भी 10-10, 15-15 किले जमीन सी, वह उजड़ के आए सी उत्थों, इस करके बेचारे नूं इत्थे आउणा पिया। साडा भी सरकारां उह हाल करन ते तुलियां होईआं ने। मैं लास्ट दे विच एक छोटी जी दो लाइनां कह के तुहाडे तों आग्या लऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लैंदा थोड़ा। मैं पिछे जे किसानी दे उत्ते सब तो पहला गीत भी मैं लिखिया सी, मैं उहदे दो लाइनां सुनाऊंगा। तुसी रोली नी किसानी, तुसी रोलियां ने पग्गां, असी बड़े चुप रहे, तुसी लाइयां ने जो अग्गां, हुण चुप नहीं ओ बहना, गल पै जूगी गुलामी, उठ जाग तू किसाना, दिल्ली चल तू जवाना, उठ जाग तू किसाना, दिल्ली चल तू जवाना। एक जी स्कॉटलैंड तो साढ़े बहुत प्यारे मित्र ने, किसानी का उन्होंने दर्द से उन्होंने कहा कि उत्थे जा रहे हो, मेरिया दो लाइना जरूर बोलियो। बंद कमरे विच बह के अंबर दिसते नहीं होंगे, शब्दों की चक्की विच अंबर पिसते नहीं होंगे, तंदुरुस्तों के विच खड़े बीमार पछाणे जाणगे, वक्त आउण ते सभना दे किरदार पछाणे जाणगे। हाँ जी, मैं एक लास्ट लाइन उन्हां दी है जी, हाकम दी जे टैम मान ली दागी पंजाब होऊ, मिठे तो खारा सारा सतलुज दा आब होऊ, नलिए दी कौम कहाऊ हरिए जा हुरिए जी, सिदकां दे काफलियां विच सबरां नाल तुरिए जी। जिवें साडे लीडर कहिंदे आ, सबर संतोख दे नाल आपां इह जंग जितनी आ। इह हुण जंग हार जित दी नहीं रही, ये लड़ाई आर पार दी हो गई है। इस करके मेरी बेनती है, एक
ते आपस दे विच सहयोग करके ये लड़ाई जितो, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत माड़ा होगा। मैं लास्ट सारे नूं फतेह बुलाउणा, धन्नवाद करदा अबोर तो दूर तो नेड़े तो आए सारे वासियां दा, बले सो निहा। धन्नवाद दर्शन औलख जी, बिल्कुल साढ़े थोड़े ही बुलारे रह गए ते थोड़े बेच सोनिया मान जी ते हरनीत बराड जेड़े दिल्लियों चल के आए है, तो मेरी थोड़ी बेनती है भी सिर्फ 10 मिनट होर टिके रहो, गुरविंदर बराड़ जी थोड़े कोल ही है ते थोनू संबोधन करनगे सोनिया मान जी, इन्हां दे विचार सुनन लई थोड़े सामने ने। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो धन्नवाद करदी हाँ अबोहर वासियां नूं कि तुसी अज इन्ना मान ते सत्कार दे के तुसी सानू इत्थे सद्दिया है, और साडे किन्ने भी किसान जथेबंदियां दे लीडर्स ने इत्थे जो भी विचार रखे ने, सानू उहनां दे विचारां नूं ध्यान दे नाल सुनना चाहीदा है ते उहनां नूं अपनी असल जिंदगी दे विच भी अपनाउणा चाहीदा है, क्योंकि असीं देख रहे हैं कि असीं अपने मोर्चे नूं बहुत ही वड्डे लैवल दे उत्ते दिल्ली तक लैके गए हाँ, बट अज हजे तक जे असीं देखिए हरियाणा दे विच हरियाणा दे लोग किन्ने क ज़्यादा संघर्षी ने साडे नाल, ओ अपनिया किसी भी पोलीटिकल पार्टियां नूं अपने पिंडां दे विच वड़न नहीं देंदे, पर आपां हजे भी पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की रैली हुंदी है ते आपां लोकी उत्थे जाने हाँ, बादलों की रैली होंगी है तो आप लोग उठे जाने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली होंगी है तो आप लोग उठे जाने, क्यों जाने आप लोग उठे, इस मोर्चे नूं फेल करन वास्ते ये लोग रैलियां कर रहे हैं, इन्हां लोकां करके अज तुसी सड़कां ते बैठे हो, की गल तुसी भुल गए कि बादलों ने ही मोदी सरकार नूं पंजाब दे विच लियांदा सीगा, तुहानू ओह दिन भुल गए, जे अज साडे किसान लीडर छोटे छोटे मोर्चियां दे उत्तों शुरू करके अज दिल्ली तक पहुंचे ने, ये ओही किसान लीडर ने जिहड़े धुप नहीं वेखदे, छां नहीं वेखदे, मीह नहीं वेखदे, हमेशा तुहाडे किसानी बिल्लां वास्ते हमेशा तुहाडे हक्कां वास्ते लड़दे रहिंदे ने, साडे वास्ते शर्मनाक गल है कि जे असीं अज भी अपने पिंडां दे विच किसे भी पोलीटिकल पार्टी नूं वड़न दईए, क्योंकि यही पोलीटिकल पार्टीज ने भावें बादल होण भावें कैप्टन आवे भावें आम आदमी पार्टी आवे, इन्हां ने तुहाडा कुछ नहीं करना, इन्हां लोकां ने तुहानूं इसे मोर्चे ते फिर इसे तरीके दे नाल बिठाउणा आ, जे आपां इन्हां लोकां दा समर्थन अज करांगे ते आपां मोर्चे दे फेल वाल बने जावांगे, आपां अपने मोर्चे दे उत्ते किसे सियासी पार्टी नूं वड़न नहीं देंदे, खलोन नहीं देंदे, बोलन नहीं देंदे, ए ओही हरसिमरत कौर बादल आ जिहदे कोल फूड मिनिस्ट्री सीगी जिन्ने साइन कीते ने, ए ओही कैप्टन अमरिंदर सिंह आ जिहड़ा उत्थे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट दे विच इस बिल्लां दी जदों गल हो रही सीगी ए लोकी उत्थे बैठे सीगे, अज साडे उत्ते लानता जे असीं इन्हां लोकां दीआं रैलियां च जावांगे ते फिर इत्थे ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ 15 ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RSS ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ 1955 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ
जिदे विच एक लिस्ट बनी सीगी कि ये जिहड़े डेली यूज दे एसेंशियल पदार्थ ने इहदे उत्ते ना कोई खरीद कर सकदा आ ना इहदी कोई जमाखोरी कर सकदा आ। पर अज सरकार ने जिहड़ी सरकार कारपोरेट दी सरकार आ, जिहड़ी विकी होई सरकार आ, जिहड़ी बीजेपी दी सरकार अंबानी दे पैसिआं दी बणदी आ, इहनां दी आपस दे विच गठबंधनी आ कि हाँ अंडानी जमाखोरी करनगे, ये अपने रिलायंस वर्गे वड्डे वड्डे स्टोरां ते जाके यही पैकटां दे विच तुहाडे कोल चौल लै के जमाखोरी करके वेचणगे। मैनूं एक गल दसो, अज पेट्रोल ते डीजल दा प्राइस आपां क्यों नहीं रोक सकदे 90 तो 100 रुपये हो गया? क्योंकि साडी सरकारां दे थले नहीं, साडी मार्केट दे विच आ। जदों तक साडीआं सरकारां दे थले सीगीआं आपां एवें ही धरने लाउंदे सीगे, आपां एवें ही उहदे पेट्रोल दे रेट दे खिलाफ लड़दे सीगे। जे कल नूं इह बिल पास हो चुके ने, लागू हो गए, तो यही जिहड़े अंबानी अंडानी आ जमाखोरी करनगे, वड्डे वड्डे गोदाम करनगे, इहो ही महंगा अनाज करके साडे मजदूरां नूं रोटी नसीब नहीं होगी। जिहड़े लोकी 500 रुपये दिहाड़ी करदे ने उह कित्थों ले लैणगे इह सब कुछ? इह मजदूरां दी भी लड़ाई है, इह दुकानदारां दी भी लड़ाई है, कल्ली किसानां दी लड़ाई नहीं। साडे किसान, साडे जिहड़े लीडर ने उत्थे तुहाडे सारिआं करके लड़ रहे ने, इह जिहड़े दुकानदार है इहनां नूं समझण दी लोड़ है। इह जिहड़ी कारपोरेट सैक्टर है तुहानूं भी खत्म करूगी आउण वाले टाइम दे विच, बहुत ही डीपली पढ़न दी लोड़ है। पिछे पैरिस दे विच भी किन्नियां कंट्रियां दी मीटिंग होई सीगी कि आने वाले टाइम दे विच डीजल पेट्रोल जिहड़ा आ उहदियां इंडस्ट्रियां बंद कर दित्तियां जाणगियां, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग करके। तुसीं जानदे हो कि अंबानियां दा सारा काम डीजल पेट्रोल दे सीगा, इस करके इन्हां ने 2009 दे विच जियो स्पैक्ट्रम दे थले दो चीज़ां लॉन्च कीतियां सीगियां, जियो सिम ते जियो रिटेलर। जियो रिटेलर दे थले तुहाडी फूड इंडस्ट्री, तुहाडी क्लोथिंग इंडस्ट्री सारे दे उत्ते कब्जा करना चाहते ने, साडे किसानां नूं लेबर बना के छड्डना चाहते ने। तुसीं बाकी स्टेटां देखो, अज यूपी दे विच मक्का जिहड़ी 2000 रेट आ 800-900 दे विच विक रही आ, उत्थे MSP इन्हां ने खत्म करती। बिहार दे जिहड़े किसान आ लेबर बन के इत्थे काम करदे ने। असीं अपने पंजाब दे विच इह नहीं होण दवांगे, इह साडी होण दी लड़ाई आ। जे तुसीं मेरे नाल हामी भरदे हो, हत्थ खड़ा करके करो कि तुसीं अपने पिंडां दे विच कोई भी पोलिटिकल पार्टी होवे, भावें ओह आम आदमी पार्टी होवे, भावें ओह अकाली दल होवे, भावें ओह कांग्रेस होवे, तुसीं नहीं बढ़न दोगे? हत्थ खड़े करके दसो। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद सोनिया जी। ओ लीडर जिन्हां दे हौसले नाल अज असी रैली ऑर्गेनाइज की, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जिहड़े थोनू लामबंद करनगे, उस तो पहला मेरी भैन हरनीत बराड़ जो दिल्ली तो आई, एक मिनट दे समय सारे मेरी फतेह परवान करो। मेरे तो पहला जिन्हें भी आके गए है उस सारे मेरे तो ज़्यादा बोल के गए है, मैं ज़्यादा टाइम ना लेंदे होए मैं एक गल कहनी चाहनी हाँ। बस पहला तो मैं जड़िया मेरिया मावं बैठी इधर मावं भैन एक इन्हों जकारा दे इन्हों हौसले अफजाई लिए एक जकारा जरूर ला दो, क्योंकि इन्हों का संघर्ष में बहुत व्डा योगदान रहा है। जो बोले सो निहाल, जेड़ी मेरे तो सारे पहला यूनियन आले बोल के गए, मैं ज़्यादा समा नहीं लूँगी, बस इन्ना कहना चाहनी है कि असी एकता बनाई रखिए, ते क्योंकि जेड़े हुण मोदी सरकार बहुत ज़्यादा जोर लाई जाती है सानू तोड़न लई, साडे ते दुनिया की नज़र है, सानू डोलना नहीं चाहिए। मैं बस एक चार लाइना बोल के डल्लेवाल जी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साडे जुझारू लीडर जो सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਔਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਬਣੋ ਸਾਰਿਆਂ। ਸਾਰੇ
चुप करे रहो। ओ यार चुप करो। परम सत्कारियो मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान दोस्तों, मेरिया सत्कारयोग भैन, मेरे नौजवान वीर, फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले तो मैं यार ये बेनती करूँगी कि स्टेज के मगरले पासे इतने रौला केरा एक बार प्रबंध करिए, ताकि जी आप गल करनी है गल सारी साढ़े किसान वीर तक पहुँचन की कोशिश करिए, गल पहुँचाइए वीर दसीए कि दोस्तों मेरा ख्याल है मेरे तो पहला बोलन वाले बुलारिया ने बहुत कुछ दसता होना है। मैं तो दो चार गल्लां करनिया, बहुतियां ज़्यादा गल्लां नहीं करनिया, तो बड़िया समझदारी दे नाल निपट जांगे। इधर ला निपट लैन दो कम, इधर इधर ला दो मिनट, इधर ला निपट लैन दो। कंटिन्यू करन दा कोई मतलब नहीं रह जांदा मैनू लगदा। सत्कारयोग दोस्तो मैं बेनती करा उधरला पासा कम निपट लैन दो, उधरला कम निपट लैन दो, कोई गल नहीं। नहीं नहीं प्रोग्राम तो जिहड़ा चलना चलना है, मेरी बे तुसी इधरला काम निपटाओ पहले, इधरला लीडरां नू जिहड़े पाउणे आ सरोपे सरापे पा के निपटाओ, बाद दे विच गल करांगे, ताकि हर एक गल हर एक बंदे दे जहन दे विच जानी चाहीदी है, जिहड़ी गल आपां करन लई इकट्ठे होए आ। मैं सत्कारयोग वीरां नूं बेनती करदा बैठन की कोशिश करो, बैठ जाणगे कोई गल नहीं। आपां काम दे विचार सुनीए, साडे जुझारू लीडर इन्नी दूर दिल्ली तो चल के आए आ, उहनां दी काम दी गल आपां सुनीए, प्लीज बैठन की कृपा करो। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, थैंक्स थैंक्स। देखो दोस्तों गल ये है, एक तां मेरी हथ बन के बेनती है कि आपां बह जाइए एक वारी, आ रौला रप्पा जिहा जदों पैंदा है ना, गल्लां बहुत बरीक हुंदियां करन वालियां ते जिहड़ियां समझण दी लोड़ है, जिन्हें समझे तो बगैर अगर असीं अंदोलन लड़ रहे हैं तो समझो कितें ना कितें असीं धोखे च हां। सच्चाई जाण के लड़ाई लड़ांगे तो जितांगे, और बेनती करां कि लड़ाई जितनी जरूरी है। कई बारी अंदोलन इहो जिहे हुंदे है, बस एक बारी शांत हो जाओ सारे जाने प्लीज़, स्टेज तो शांति होगी तो मैनूं लगदा सारे इधर भी शांति हो जाणी है। तो मेरे दोस्तों तुसी उत्थे जाके करवाओ, मैं बेनती करदा सी मेरे दोस्तों, हकीकत नू जाने तो बिना अगर असी लड़ाई लड़ रहे हैं, अंदोलन लड़ रहे हैं, तो मैनू ऐ लगता है कि किते ना किते हनेरे दे विच तीर छड़न वाली गल है। सच्चाई जाननी पैनी है, दा पेच सरकारां दे समझने पैने आ, और जिन्नी देर तक असी एक एक गल नूं बरीकी दे विच समझ नहीं लेंदे उन्नी देर तक मैनू लगता है कि अंदोलन लड़ना साडे लई फजूल है, उहदा कोई अर्थ नहीं निकलना, कोई रिजल्ट नहीं निकलना। मैं बेनती कर रहा सी जिहड़ी इत्थे गल राजेवाल साहब एक गल करदे सी, उह गल करके गए सीगे कि 2017 च कहिंदे इक मीटिंग होई, जिस मीटिंग दे विच्चों कहिंदा मैनूं चिंता होई, उह कह के गए ने। तो मैं समझदा हां कि अगर इहदे ते तुसीं बरीकी नाल निगाह मारोगे ते इहदी इहदा मोढा जिहड़ा इहनां कानूनां दा इह बहुत पिछे 1994 दे विच इहदा मुढ बजदा इहनां कानूनां दा, जिस वेले गैट दे उत्ते भारत सरकार दस्तखत करदी है, साइन करदी है, और तुहाडे चो जिहड़े बहुत सारे नौजवान, मैं नौजवानां नूं तां इह गल कहिंदा है कि गल गौर नाल समझण वाली है, इह हुण कोई किताब फरोलण दी लोड़ नहीं, हुण तां तुहाडे कोले नैट है,
सर्च करो तुहाडे सामने निकल के सारा कुछ आजूगा कि गैट चीज की है। अगर तुसी गैट नू स्टडी करन दी कोशिश करोगे तो गैट का जेड़ा बारवां अध्याय है उहदे विच बड़ा क्लीयर ते स्पष्ट लिखिया है कि देश के अंदर भारत के अंदर किसानां नू MSP देनी भारत सरकार बंद करेगी, ये लिखिया है। और इन्हां कानूनां दा भी जेड़ा मेन मंतव है वो यही है कि हर हाल दे विच विंगे टेढ़े ढंग तरीके दे नाल तुहाडी MSP खत्म करनी है। MSP कहिंदी है सरकार कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी, लेकिन MSP दा था थी या रहेगी इहनू अगर समझना होवे ता नोट करियो जे गल इक, तुहाडा झोना 1888 रुपये विकिया है और बिहार के किसानों का झोना 900 रुपये नूं क्विंटल विकिया, इहदा पता ना सारियां नूं। अगर MSP थी तो फिर उन्हों का 900 नूं क्यों विकिया? मेरे दोस्तों फर्क की है कि इत्थे FCI की खरीदण की पॉलिसी है, उत्थे FCI की खरीदण की पॉलिसी खत्म होगी, भाव जदों तुहाडी फसल नूं खरीदण वाला कोई ना रहा उस तो बाद तुहाडी फसल का हाल भी उही होना जिहड़ा बिहार वाला होया है। तो इस एक तरीके दे नाल खरीदण वालियां नूं विचों बाहर कढ़न वास्ते एक लंबी चाल चली गई जो इन्हां कानूनां दे विच बड़े लुकमे ढंग दे नाल दर्ज की गई है। तो मेरे दोस्तों मैं गल बेनती है करा, इहदा बहुत कुछ दसता होना तुहानूं पहले बुलारियां ने कि कानून किवें किवें की करनगे। मैं एक बेनती करनी चाहुंदा है कि जिहड़ी मैं अर्ज की है कि 1994 दे विच साइन हुंदे है उस वेले सरकार की दी सी पता किसे नूं? याद करियो कबला 1994 दे विच भारत दे विच सरकार की दी सी? इत्थे नरसिम्हा राओ उस वेले प्रधानमंत्री सी दोस्तों, ते जदों नरसिम्हा राओ प्रधानमंत्री है तो फिर अपने आप अंदाजा ला लो कि तुहाडी मौत दे वरंटा ते साइन करन वाले लोग आ जिहड़े उह सारे ही ने, इन्हां चों घट कोई नहीं। भुलेखे च ना रह जाओ जे कि कोई एक पोलीटिकल पार्टी ये करूगी, सारे ही कर रहे हैं। वारी वारी चारा जोरी सारयां दी है कि तुहाडे कोलों जमीना खो के कारपोरेट लोगों नूं देनी है। जिवें राजीवाल जी एक गल कह के गए, कहिंदे उहदे च उन्होंने कहा कि इत्थे कारपोरेट लोगों नूं उहदे कोलों इनवैसटमेंट करवाई जाए तो इत्थे उन्होंने कोलों वड्डे फार्म तैयार करवाए जाण। ये फिर अगर पिछे निगाह मारोगे सन 2000 की एग्रीकल्चर पॉलिसी पढ़ो, सन 2000 की एग्रीकल्चर पॉलिसी, उस एग्रीकल्चर पॉलिसी दे विच लिखिया है कि देश का किसान बहुत छोटी खेती करता है और बहुत महंगी खेती करता है, इसलिए इन्हां दे कोलों ये खेती फड़ के बड़े कारपोरेट लोगों नूं अमीर लोगों नूं जिहड़े 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार एकड़ की खेती करन उन्हां दे हवाले खेती करन दी लोड़ है। ये एग्रीकल्चर पॉलिसी लिखी है। 1994 का असर हुंदा तुरे आ रहा सी, 1994 जिस दिन साइन हुंदे ने उस दिन तो लैके अज तक असर बदर असर वारी वारी असर हुंदा आया जिहदे चों अज ये कानून बन के तुहाडे सामने खड़े ने। और इन्हां कानूनां दे जरिए कुछ लैण तुहाडी जमीन लैण का यतन किया जा रहा है। एक गल होर नोट करियो, एक बहुत समझण वाली गल है, जिस वेले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस वेले पहली बारी प्रधानमंत्री बने, गल ध्यान ना सुनो मेरी बरीक गल है, जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनता है उस दिन सोचो, सोच के देखो आपके दिमाग से बोझ पा के, उस दिन पहली रात नूं उहदे तो पहली रात किहदे प्रधानमंत्री बनने दे चर्चे सी? पता किसे नूं? सोनिया गांधी दे चर्चे चल रहे सी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, पर दिन चढ़दे नूं कच्छ चों मूला निकलिया की कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेगा। क्यों बनिया सी भला? इहदे मगर की कारण है?
ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਨ 2004 ਚ ਉਹ ਗੈਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਗੈਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ 2004 ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਨ ਗੈਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਸੋਚੋ ਕਾ ਭਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਗੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਗੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, WTO ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ WTO ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਰੀ, ਇਸ ਗੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੈਟ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਨਵਰ ਉਲ ਹੁੱਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਨ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਮਤਮੇਚਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕਰਤਾ ਲੋਕ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰ 2 ਸਾਲ, 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਸੱਚੀਓ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਯੂਪੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ।
कोई कहेगा नौजवान कहेंगे बुजुर्गों ने सही सेध नहीं दी, तो बुजुर्ग कहेंगे नौजवानों ने हुल्लड़बाजी की, जो सवाल उठेंगे। अगर असी एकजुट होके सचो ईमानदारी एकजुट होके इस लड़ाई में जितने के लिए तनदेही जोर ला दिए तो यह यूनिटी साड़ी बनी रहेगी। यह यूनिटी की बहुत बड़ी लोड़ है मेरे वीरो। ये कानून रद्द होंगे, मैं दावे नाल गल करदा रद्द होंगे, पर इन्हां कानूनां नूं रद्द करन तो बाद लड़ाई नहीं मुकनी। किसे ना किसे होर रूप दे विच अजिहे कानून दोबारा आउणगे। ये सरकार नूं कानून इसे सरकार नूं रद्द करने पैने हैं, क्योंकि ये कानून पार्लीमेंट के थ्रू आए हैं, पार्लीमेंट के थ्रू रद्द होने हैं। सो इस करके मेरी बेनती है मेरे दोस्तों कि ये कानून जिन्ना चिर भारत गैट दे विचों बाहर नहीं आउंदा, WTO की मैंबरशिप चो बाहर नहीं आउंदा, उन्नी देर तक वो जिहड़ा उपर डंडा खड़ा है कि भारत के अंदर MSP देनी बंद करे सरकार, वो डंडा भारत के सिर तो नहीं उतरदा। जिन्ना चिर भारत के सिर तो डंडा नहीं उतरदा उन्ना चिर पैसे जे कानून बार बार आउणगे, क्योंकि तुहाडे तो MSP खोनी है, वह बार बार जोर लगेगा। सरकार जी की मर्जी बन जाए ये कुछ होंदा रहेगा, और वो लड़ाई हजे अगे बाकी खड़ी है। अज लड़ाई केवल तीन कानूनों से केंद्रित है, ये तीन कानूनों की लड़ाई जितांगे, तकड़े हो गए एकजुट हो गए जितांगे, ये एकता बनी रहेगी। और इस एकता दे विचों अगली एकता जिहड़ी अज बहुत तरीकों के नाल, जिवें राजेवाल जी ने दस्या कि BJP ने खिलारन की बड़ी कोशिश की, लेकिन साडा हरियाणा, साडी UP, साडे वीर दूसरे राजस्थानी बड़े समय सर समझ के उस अंदोलन नूं मोढे नाल मोढा ला के लड़ रहे ने, खड़े ने। यह लड़ाई इस तरह एकजुटता, पहला साड़ी एकता बनी सी कानूनों के खिलाफ दोस्तों, अज साड़ी एकता एक होर मजबूती नाल बनी है कि केवल कानूनों की गल नहीं, BJP की फिरकू नीयत के खिलाफ, BJP की फिरकू नीति के खिलाफ एकता बन गई पूरे देश के अंदर। और सब तो मजबूत गल यह है कि एक फिरका प्रस्त पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर एकता बनती जा रही है, और यह बहुत कम की गल है। और इस एकता असी बरकरार रखना, कायम रखना है, ताकि आने वाली जी लड़ाई है वह गैट के खिलाफ होवे दोस्तों, गैट के खिलाफ। देश नूं गैट चो बाहर कढ़ना है, जिन्नी देर तक असी देश नूं गैट चो बाहर नहीं कढ़दे उन्नी देर तक देश नूं आजाद नहीं रखा जा सकता, चाहे कोई एक बारी कहे चाहे कोई 10 बारी कहे। ये बिल्कुल लोगों के नाल धोखा करने वाली गल होएगी कि जिन्नी देर तक गैट चो देश बाहर नहीं आता उन्नी देर तक देश आजाद नहीं रह सकता। इसलिए मेरे दोस्तों बड़े कम दीआं गल्लां आपां नूं समझण दी लोड़ है। ये लड़ाई तुहाडी है नौजवानों, तुहाडी ये तुसी लड़नी है। असी तो जिहड़ी गल लड़नी अखीरली मेरा ख्याल लड़ाई होगी, बजुर्ग हो चले लंघ जाणा गाहां नूं, ये तुहानूं लड़नी पैनी है। और लड़े बगैर बिना सरना नहीं, हकीकत आ गल इह, यह लड़ाई लड़े बिना सरना नहीं, यह लड़ाई जिते बिना सरना नहीं। क्योंकि कई बार लोग ये कह देंदे ने सानू कि जी कुछ वाधा घाटा करके फैसला कर लो, लैदे करके फैसला कर लो। हुण इहदे ते ध्यान दिओ कि असी लैदे करके फैसला की करना है। साडी लड़ाई आ तीन कानून रद्द करे सरकार, और वह तीन कानून कर की रहे हैं दो गल्लां। साडे किसानी किता करन वालियां तो जमीन खो रहे हैं, तो जिहड़े बेचारे किसानी किते तो बाहर दे लोग ने उन्हां तो रोटी खो रहे हैं। रोटी हुण ना तो रोटी बिना सरना है, तो ना किसान का जमीन बिना सरना है। इस करके विच विचाले का कोई समझौते की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं कि विच विचाले समझौता किया जा सके। ये तो रद्द होणगे तां ही जाके गल ने अपने पल्ले बहना, नहीं तो मेरे दोस्तों विच विचाले का मतलब ये निकलता है कि असी कुछ देना मन लिया सरकार नूं कि इन्ना कु ले लो, इन्ने टाइम नूं तुसीं फिर साडी जमीन लै लिओ, ये मन्नण दे बराबर होएगा। इस करके जिहड़ी साडी ये लड़ाई है ये उदों तक जारी रहनी है जिन्नी देर तक एक कानून रद्द नहीं होंदे। और आपां सारयां ने एकता बना के, मैं नौजवानों नूं खास करके बेनती करा मेरे नौजवान वीरो, एक गल दस्सो, घरे चोर वरजे आके डाकू वरजे आके, घरे डाकू वरजे, बापू जागदा पिया होवे तो रौला पावे भी जो भाई उठो घरे कोई बंदा आ गया, ते बच्चा कहे भी मैं तो रुस्सिया तेरे नाल बापू मैं नहीं उठता, फिर घर लुट के लै जू कि ना लै जू, बोलिया दसो सारे जने हथ खड़े करके।
ਲੈ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆਪਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੱਗਣ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਏਕਾ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ BJP ਔਰ BJP ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਂਦ ਵੱਢ ਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰ 'ਚ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 200 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਫੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀੜੇ ਪਾੜਨੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੌਮੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਨੇ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਤਕੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਰਡ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡ ਤੀਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਟੋਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਸਰ ਕੰਦਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਮਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ,
गुरद्वारा साहब जिहड़ा हैगा दमदमा सुखदेव सिंह प्रधान हरनाम सिंह कामरेड गुरदेव गुरु नानक सिमरन सोसाइटी प्रधान हरजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल जसविंदर सिंह राजू तो जेडे भी पिंडा तो चिराग ढाणी तो बलबीर सिंह जी उस तो बाद पाकसर तो सुभाष गुदारा विनोद कुमार डूटी जिन्हों का बहुत वड्डा लंगर सहयोग रहा आलमगढ़ तो रणजीत सिंह रणजीत सिंह आजाद ग्रुप वालों जिन्हें सारा सहयोग पाया चोरड़खेड़े तो पंगाला तो कंधवाला तो टैक्नीकल तो प्रधान जिहड़े पेंशनर वैलफेयर के है इंस्पैक्टर मदन लाल जी जिन्होंने सारा लंगर लंगर का प्रोग्राम जिहड़ा उलीकिया ਧਾਨਕ ਤੋਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਰਿੰਕੂ ਸਡਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਜੀ ਗਗਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੀ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਪਾਕਸਰ ਤੋਂ ਪਾਕਸਰ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੂਕਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਮਚੰਦ ਜੀ ਸੰਜੇ ਕੂਕਣਾ ਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਲੋਕੀ ਮੰਤਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਰਨੀ ਭਾਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੁੱਖਾ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਕੰਧ ਫੜੀ ਜਾਣੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਣੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ वैसे आप अज विचार सुनना है मैं थोड़ा महाराज हुण तक बैठा कि आप सारे बैठे रहिए गाने सारे हो गए सी तुसी विचार सारे आगुआं दे सुन ले बस जांदे जांदे सुनेहा लै जाओ जी कि हुण जदों मुड़े बस जित के मुड़ांगे जाओगे ना दिल्ली पिंड जाके जज दा कोई सुनेहा देवांगे ना है पक्की गल ਵੋਲੀਅਮ ਵਧਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁਨੇਹ ਹੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਹੋ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਟੂਣਾ ਚੌਣਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਬੇੜਾ ਹੁਣ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੱਠ ਹੋਰ ਦੂਣਾ ਚੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੌਂ ਖਾ ਲਓ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਸੌਂ ਖਾ ਲਓ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੋ
ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਸੱਚੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਖੇਤ ਟਾਲੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਸੱਚੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਸੌਂ ਕਾ ਲੋ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸਗੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸਗੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜਾ ਮਹਾਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੜ ਚੱਟ ਰਾਲੀ ਤੇ ਪਾਤੇ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਂ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਸਵਾਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਾਲ ਬਾਜਨ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਚਾਲ ਬਾਜਨ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੜੇ ਬਸ ਜਿੱਤ 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 ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਓ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਜਾ ਬਈ ਆ ਜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਯਾਰ ਲਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਕ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਲਾਉਣੀ ਆਈ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੇਮ ਸਕੇਲ ਨਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਸੇਮ ਹੋ ਸੁਣ ਦੇ ਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਤੇ ਜੀਨੇ ਸਬਜੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਗਾਈ ਕੰਨਾਂ ਚੁੱਪਿਆਂ ਨੀ ਹੱਥੀਆਂ ਪਪਟ ਕੇ ਚਾਹ ਬਾਟੀ ਚ ਨੀ ਪੀਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਟਦੇ
ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੱਟ ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਟਤੇ ਕੁੜੀ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਟਵਾਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈ छुट्टी वेले कम च बटाउंदा नहीं वड पट्ठियां दी भरी चक कल्ले ने ना धरी वड पट्ठियां दी भरी चक कल्ले ने ना धरी जिहड़ा फिरदा है ढिड नूं वधाई कदा ओह पुत जट दा पैक ना ट्राली लाउणी आई कदा ओह पुत जट दा पैक ना ट्राली लाउणी आई कदा ओह पुत जट दा पैक ना ट्राली लाउणी आई कदा ओह पुत जट दा पैक ना ट्राली लाउणी आई कदा ओह पुत जट दा पैक ना ट्राली लाउणी आई कदा ओह पुत जट दा जट दा पुत जट दा जट दा। शुक्रिया जी, मेहरबानी। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ।